पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ये भक्त हैं ना, इनको होता नज़दीक बैठेंगे तो कहीं लग ना जाए वेदांत। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते। पृष्ठ 15 आनंदगिरी टीका। अनादेरपि संसारस्य प्रागभाववद् निवृत्तिः स्यात् इति चेत् तथापि ब्रह्मविद्यामन्त्रेण नाशो नास्ति इत्याह अनन्त इति। अनंत शब्द भाष्य से लिया है। अनादिरनन्तो नर्थ इत्येतस्माद् विरक्तस्य विद्यानिवृत्तये तद्विपरीत ब्रह्म विद्या प्रतिपत्यर्थोपनिषदारभ्यते। 15वें पृष्ठ पर भाष्य है। संसार माना कि प्रवाह रूप से अनादि है, लेकिन जो अनादि होता है उसका नाश हो ही कैसे सकता है, ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त होता है। वेदांतियों के यहाँ तो सदस्माकमनादया है, एक दृष्टि से छः छः तत्व को अनादि माना गया है, लेकिन उनमें ब्रह्मातिरिक्त जो पांच तत्व हैं वे अनादि शांत हैं। सदन अंत अनादि होते हुए भी उनका अंत संभावित है। ब्रह्म जिसको चित्त पदार्थ कहते हैं, चित्त तत्व कहते हैं, जिसे श्रीमद्भागवत ने यज्ञानम अद्वयम कहा है, अद्वय ज्ञान, वो अनादि और अनंत है। लेकिन माया अनादि शांत है। ईश्वर और जीव का भेद, माया और ब्रह्म का संयोग, इन सब को अनादि शांत माना गया है। यहाँ अगर हम संसार को अनादि मानते हैं प्रवाह रूप से सही, तो इसका अंत कैसे हो सकता है? इसका उत्तर आनंद गिरी जी पर रीत्या देते हैं। कभी कभी हम सामने वाले का मुंह बंद करने के लिए उसी के सिद्धांत को उसके सम्मुख स्थापित कर देते हैं, उसके सिद्धांत का उसे स्मरण करा देते हैं, ताकि वह हम जो कहना चाहते हैं उससे सुगमता पूर्वक सहमत हो जाए। नैयायिकों के यहाँ प्राग अभाव, पूरा ग बोलना चाहिए, प्राग भाव नहीं, प्राग अभाव, प्राक धन अभाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव, या भाव के चार भेद किए गए। काल की दृष्टि से प्राग अभाव प्रध्वंसा भाव है, वस्तु की दृष्टि से अन्योन्या भाव है, देश की दृष्टि से अत्यंता भाव है।
असत्कार्यवादी वैशेषिक और नैयायिक होते हैं। कार्योत्पत्ति के पूर्व कारण में कार्य का भी अभाव मानते हैं। अगर कार्योत्पत्ति के पूर्व कारण में कार्य का अभाव न माने तो वैशेषिकों का नैयायिकों का पक्ष यह है कि कारकव व्यापार व्यर्थ सिद्ध हो। कारकव व्यापार का अर्थ यह है, एक कुंभकार को, कुम्हार को, आधुनिक प्रजापति को घाट बनाना है। नमः कुलालेभ्यः रुद्री यजुर्वेद, सबसे प्रथम कुलाल कुंभकार भगवान को माना गया है, उन्हीं की अनुकृति है। जगत भी घट है, उसके निर्माता घटक भगवान ही हैं। अनुकृति है, जो जो कृति कला जगत में प्रसिद्ध है उसकी उद्भावना सर्वप्रथम भगवान से ही हुई है। तो मिट्टी उपादान कारण के रूप में चुनता है, मिट्टी का चयन करता है। स्निग्धता नामक शक्ति से संपन्न मिट्टी को ही घट का रूप दिया जा सकता है। कुंभकार को यह विवेक होता है कि कौन सी मिट्टी को घट का रूप दिया जा सकता है। कदाचित सर्वथा अनुकूल मिट्टी नहीं मिलती है तो कृत्रिम विधा से उसमें स्निग्धता का आधान करके फिर वह अमुक प्रकार की मिट्टी को घट का रूप प्रदान करता है। लेकिन चक्र चीवर आदि अवांतर कारकों को भी कार्य की सिद्धि में हेतुभूत वस्तुओं को भी चुनता है, तब जाकर वह कारकव व्यापार के माध्यम से मृत मिट्टी को मृतपिंड का, फिर मृतपिंड को दो पात्र ऊपर नीचे का, फिर उन दोनों को जोड़कर घट का कपाल जिसको कहते हैं कपालद्वय का रूप देता है। कपालद्वय के योग से फिर घट को निर्मित करता है। तो कारकव व्यापार की सार्थकता तभी मान्य है वैशेषिकों के मत में जब कारण में पहले से कार्य की विद्यमानता न हो। इसी का नाम असत कार्यवाद है। कारण में कार्य की कार्योत्पत्ति के पूर्व क्या स्थिति है तो कहते हैं कारण में कार्य कार्योत्पत्ति के पूर्व रहता ही नहीं है, कोई स्थिति नहीं है। फिर सत्कार्यवादी जो सांख्य हैं उनका कहना है तब सिकताते वरु तेल, बालू से फिर तेल, बालू को पेल करके तेल निकालो। फिर कोई भी कार्यार्थी अमुक कारण का चयन ही क्यों करता है, उसको परंपरा से ज्ञान है कि अमुक वस्तु में अमुक वस्तु सन्निहित है। तेल बनाने के लिए तिल, सबसे उत्तम तेल किसको कहते हैं, तिल से जो बनाओ, उसी के नाम पर सरसों आदि के तेल को भी तेल कहते हैं। सरसों का तेल तेल नहीं कहा जा सकता क्योंकि तिल से जो बना हो उसका नाम तेल होगा, तेल होगा। लेकिन सबसे उत्तम तेल सर किसका, तिल का माना गया। तो फिर चाहे वो चमेली का हो चाहे सरसों का हो, उसका नाम ही तेल हो गया। हलवाई हजारों प्रकार की मिठाई, अच्छा आप हो ना, हाँ ये हलवाई का नाम लेते जीभ पर पानी, वैदिक हलवाई हजारों प्रकार की मिठाई बनाता है, वो नाम उसका हलवाई ही है। माने हलवा सबसे बढ़िया प्राचीन व्यक्तियों को, तभी उसका नाम हलवाई है। नहीं तो जलेबी के नाम पर भी उसका कुछ नाम हो जाता, खाजा के नाम पर खजाई खजुराई, लेकिन हलवाई क्यों कहते। तो प्राचीन ऋषियों को हलवा बहुत पसंद रहा होगा, हलवा के नाम पर हलवाई। इसी प्रकार से कहा गया कि कारण विशेष का चयन क्यों करते हैं, जब सर्वत्र अभाव है कार्य का, अमुक कार्य का सर्वत्र अभाव है,
तब तो किसी भी कारण से किसी भी कार्य की उत्पत्ति की जा सकती है। कारण विशेष का जो चयन होता है उससे सिद्ध है कि सत्कार्यवाद है। कौन कहते हैं? सांख्यवादी। अर्थात कारण में पहले से ही कार्य अनभिव्यक्त दशा में विद्यमान रहता है। कारक व्यापार के द्वारा, चक्र चिवरादि के द्वारा उसको फिर मूर्त रूप, कार्य का रूप दिया जाता है। अनभिव्यक्त को व्यक्त करने में कारक व्यापार का उपयोग होता है। यह हुआ। अब वेदांती क्या करते हैं? प्राथमिक भूमिका में सत्कार्यवाद को स्वीकार करते हैं। बहुत ऊँचे एक दार्शनिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक महानुभाव हैं, जिनका नाम है डॉक्टर विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र। अभी काशी में कहा था सत्कार्यवाद तो सांख्यों का है, वेदांती किस आधार पर उसे मान लेते हैं। तो हमने यह बताया कि प्रारंभिक दृष्टि से हम सत्कार्यवाद को मानते हैं, लेकिन गौड़पादाचार्य जी महाभाग ने मांडूक्य कारिका में तटस्थता का परिचय दिया। उन्होंने कहा ठीक, असत्कार्यवादी जो वैशेषिक नैयायिक आदि हैं, जिन युक्तियों का आलंबन लेकर सत्कार्यवाद का निराकरण करते हैं, वो भी हमने सुना गौड़पादाचार्य जी का दृष्टिकोण। यह सत्कार्यवादी जिन युक्तियों का आलंबन लेकर असत्कार्यवादी के पक्ष का निराकरण करते हैं, उनको भी सुना। दोनों ने मिलकर हमारा काम चला दिया। अमुक अमुक हेतुओं से सत्कार्य सिद्ध नहीं होता, अमुक अमुक हेतुओं से असत्कार्य सिद्ध नहीं होता। दोनों ने मिलकर हमारा काम बना दिया, अर्थात अनिर्वचनीय विधा से कार्योत्पत्ति होती है। तुम दोनों झगड़ो, काम हमारा बनेगा। हो गया ना अनिर्वचनीय ख्याति। अब उदाहरण बहुत बढ़िया है, आकाश निश्चल है या चंचल, स्पर्श गुण युक्त है या स्पर्श गुण रहित। स्पर्श गुण रहित है, चंचल नहीं है, निश्चल है। उससे चंचल स्पर्श गुण युक्त वायु की उत्पत्ति अनिर्वचनीय उत्पत्ति है या नहीं? के सब कही न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति, समुझ मन ही मन रहिए, कौ का झूठ सत्य कह कौ, जुगल पुर प्रबल पुनि माने, तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम सो आपन पहचाने। झूठ का अर्थ या मिथ्या नहीं है। श्री रामकिंकर जी ने झूठ का अर्थ मिथ्या कर दिया, पूज्य गुरुदेव को खंडन करना पड़ा रामायण मीमांसा। झूठ का अर्थ यहाँ पर असत है, नहीं तो सब काम बिगड़ जाएगा। तो दर्शन शास्त्र का ज्ञान न होने पर लोग झूठ का अर्थ असत ही न करके झूठा बोल रहा हूँ ना, असत। मिथ्या भाषण अलग चीज़ है, असत भाषण अलग चीज़ है। तो यहाँ झूठ माने असत, झूठ माने मिथ्या नहीं। कोई असत कहते हैं, कोई सत कहते हैं, जुगल प्रबल, कोई सत सत कहते हैं। न सत है, न असत है, न सत सत है। तीनों भ्रम का जो त्याग करने में समर्थ होता है वह आपन पहचाने, आत्म तत्व को जानने में समर्थ है। इसलिए वेदांतियों ने कहा अनिर्वचनीय ख्याति। अब जो वायु है, मिथ्या और असत में क्या? हाँ हाँ, असत बंध्यापुत्र सत है या असत या मिथ्या? मिथ्या है बंध्यापुत्र, असत है भाई। न होता हुआ न प्रतीत हो, हो भी नहीं हो, हो भी नहीं हो, प्रतीति का विषय भी न हो, वो हुआ असत। और हो जिस रूप में दिखाई पड़े उस रूप में ना हो, वो हुआ मिथ्या। जिस रूप में दिखाई पड़े न होता हुआ भी प्रतीत हो, रस्सी में सर्प, उसका नाम है मिथ्या। हो भी नहीं और प्रतीत भी ना हो, वो है असत। और जैसा हो वैसे ही प्रतीत हो, वो है सत। लेकिन अब ये तो फिर बात की बात, बात में बात, बात में बात। रस्सी में जो सर्प है वो सत है या असत है या मिथ्या है?
एक रकम से बनिया वाली भाषा, एक रकम से सत्य है, एक रकम से असत्य है, एक रकम से मिथ्या है। जिसने रस्सी को सर्प समझा और सर्प समझकर ही वो रह गया, उसकी दृष्टि में शपथ भी खवा लें तो पाप लगेगा। सर्प सत्य हुआ या नहीं? सत्य ही है। और जिसको रस्सी का ज्ञान है वहाँ सर्प नाम की कोई चीज ही नहीं है, उसके लिए सर्प असत है या सत्य या मिथ्या? असत है। जिसको रस्सी में सर्प का भ्रम हुआ, कालांतर में नायम सर्पो रजुरियम, इस प्रकार से रस्सी का ज्ञान हो गया, उसके लिए मिथ्या है। एक ही रज्जु सर्प किसी की दृष्टि में असत, किसी की दृष्टि में सत, किसी की दृष्टि में मिथ्या। सत असत के सामंजस्य का नाम है मिथ्या। बहुत साहित्यिक शब्द है। भूतपूर्व दृष्टि से सत, वर्तमान दृष्टि से असत, तो कहने की भाषा है मिथ्या। मिथ्या शब्द चिढ़ने के लिए नहीं है, सामंजस्य है, समझौतावादी। भूतपूर्व दृष्टि से सत, अगर होता ही नहीं तो दिखता कैसे? जो होता नहीं वो दिखता, अगर होता ही नहीं सत तो दिखता कैसे? भूतपूर्व दृष्टि से क्या हो गया? सत। वर्तमान दृष्टि से असत। तो बोलने की भाषा दोनों भाषा में, दोनों दृष्टियों में सामंजस्य साधेंगे तो क्या कहेंगे? मिथ्या। मिथ्या माने दोनों दृष्टि का सामंजस्य हो गया मिथ्या। एक ही रज। इसी प्रकार संसार क्या है? असतो मा सद्गमय, यहाँ संसार के लिए असत शब्द का प्रयोग है। न सत्व विद्यते भाव, यहाँ असत शब्द का प्रयोग किया गया है। संसार किसी की दृष्टि में असत है, किसी की दृष्टि में सत है, किसी की दृष्टि में मिथ्या है। अब निमाई जी जाने कि इनकी दृष्टि में क्या है। केवल ब्रह्म की दृष्टि से या रज्जु रस्सी की दृष्टि से अगर कहें तो उसमें सर्प था है होगा। एक रस्सी की ही दृष्टि मान लें, या जो रज्जु को रज्जु ही जानता है, जिसको भ्रम ही नहीं हुआ सर्प का, उसकी दृष्टि से रज्जु सर्प असत है या नहीं? केवल ब्रह्म की दृष्टि से विचार करें तो असत है। और जिसको ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, संसार ही जिसके सामने सत है, उसके लिए सत है। लेकिन ब्रह्म विज्ञान से संसार के मिथ्यात्व का निश्चय हो गया, असत्व का निश्चय हो गया, उसके लिए समझौती की भाषा में मिथ्या है। पहले सत समझता था, अब असत समझता है, तो समझाने की भाषा में मिथ्या है। एक ही वस्तु दृष्टिभेद से सद रूप से, असद रूप से, मिथ्या रूप से भी ख्यापित की जा सकती है। कौन? हाँ अब है तो ही जाएंगे, इसीलिए तो भग रहे हैं कि ज़्यादा न लग जाए। पहले कहा था कि अब तो रिटायर हो गया, दो महीने यहीं रहना है चौमासा में, हमें सब याद रहते। अब क्या हो गया? मठाधीश हो गए अयोध्या में, मठाधीश हो गए, मठाधीश के पास समय कहाँ? तो हमने क्या संकेत किया? अब जो वायु है, निरूप है या नहीं? लेकिन उससे रूपयुक्त तेज की उत्पत्ति हो जाती है, अनिर्वचनीय उत्पत्ति। और नीरस तेज से, रसहीन नीरस तेज से जल की उत्पत्ति हो जाती है। और निर्गंध, निर्गंध जल से और द्रवतायुक्त जल से ठोस गंधयुक्त पृथ्वी की उत्पत्ति हो जाती है। ये सब अनिर्वचनीय उत्पत्ति है या नहीं? अनिर्वचनीय उत्पत्ति है। इसीलिए हमने संकेत किया कि नैयायिकों का कहना है प्राग भाव, किसी भी कार्य की उत्पत्ति के पहले कारण में उसका अभाव होता है। कारकव व्यापार के द्वारा उसकी नवीन उत्पत्ति होती है, पहले से विद्यमान की उत्पत्ति कर दे, यही कारकव व्यापार की चमत्कृति है। तो नैयायिकों का पक्ष लेकर ही उनको संतुष्ट करने की भावना से अनादेरपि संसारस्य प्रागभाव निवृत्ति स्यात्।
संसार अनादि होता हुआ भी प्राग भाव जैसे अनादि है, फिर भी घटोत्पत्ति से घट के प्राग भाव का अभाव हो गया या नहीं? प्राग अभाव का अभाव हो गया। अभाव का अभाव वैदिक जी भाव होगा या अभाव? भाव, अरे तब तो विद्वान है। अभाव का भाव, भाव ठीक ही है। घर में रबड़ी का भाव था, अब उस अभाव का भाव हो गया मैंने रबड़ी की प्राप्ति हो गई। अभाव का भाव जो होता है भाव हो जाता है। प्राग अभाव का भाव हो गया क्योंकि घट की उत्पत्ति हो गई। अब कब से था मिट्टी में अभाव घट का? अनादिकाल से था। इसीलिए हैं प्राग अभाव गोपुरा, हाँ प्राग भाव नहीं, प्राग अभाव, नहीं तो प्राक भाव हो जाएगा, फिर उल्टा ही अर्थ हो जाएगा। प्राग अभाव पूरा गौ बोलना चाहिए, जैसे बोलते श्री राम गलत है ना, मोहल हो गया तो रांग हो गया। श्री राम जय राम, राम बोलना ही बड़ा कठिन है। वो तो गलती बोलते हैं सभी, श्री राम जय राम जय जय राम मोहल बोल देते। कृष्ण शब्द का उच्चारण तो कठिन है ही, राम शब्द का उच्चारण भी इतना कठिन है, गलत ही बोलते। श्री राम जय राम जय जय राम हो गया, वो बीज मंत्र बन गया राम एक प्रकार, मोहल कर दिया राम राम। तो क्या हो गया, जैसे अनादि का अनादि जो प्राग अभाव है उसका भी क्या हो गया, अभाव घट की उत्पत्ति से घट के अभाव का अभाव हो गया। अप्रध्वंसाभाव शादी है, अब घट पे डंडा बजर गया या घट नीचे गिर पड़ा, प्रध्वंस घट का प्रध्वंस उत्पन्न हुआ या नहीं? लेकिन अब हो गया तो हो ही गया, शादी होकर भी अनादि हो अनंत रहेगा। प्राग अभाव अनादि होकर भी शांत हो जाता है, प्रध्वंसाभाव शादी होकर भी अनंत। अब घट फूट गया तो फूट ही गया, अब उसको हम अब घट फूट गया तो फूट ही गया, वो घट होना नहीं है। तो उत्पन्न भी अनश्वर हो सकता है अभाव, प्रध्वंसाभाव की उत्पत्ति तो होती है शादी है, लेकिन प्रध्वंस फिर अनंत ही है वो। तो शादी भी अनंत हो सकता है, अनादि भी शांत हो सकता है, यह अर्थ। अनादेर अपि, अब ये सब पाठ तब चलता है ना, सब दर्शन सधा हुआ हो, कहाँ जाकर कौन से दर्शन टपक पड़े। एक ग्रंथ पढ़ाने में जमीन आसमान का कुनवा जोड़ना पड़ता है। अब यहाँ न्याय का ज्ञान नहीं होगा तो इस पंक्ति को व्यक्ति लगा नहीं सकता ठीक से, भग जाएगा, रणछोड़ होगा। अनादेर अपि संसारस्य प्राग भाववन निवृत्ति स्यात्। अनादि संसार है फिर भी, जैसे वैशेषिकों नैयायिकों की दृष्टि में प्राग अभाव का अभाव कार्य की उत्पत्ति से होता है, ठीक इसी प्रकार से संसार की निवृत्ति हो सकती है। चेत अगर ऐसा कहो तो तथापि ब्रह्म विद्या मंत्रण नाशो नास्ति त्याह अनंत इति। अनंत है, अनादि ही नहीं अनंत है। इसमें शर्त क्या है, शंकराचार्य का अनादि अनंत है। शर्त क्या है, जब तक तत्वज्ञान नहीं हुआ, ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व का विज्ञान नहीं हुआ, अधिष्ठानात्मक ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ, तब तक संसार नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं माना जाएगा, है ना। कल बताया परसों बताया, रस्सी कोई को कोई जला सकता है, रस्सी को कोई जला सकता है, लेकिन रस्सी का नाश होने पर भी रस्सी मिथ्या हो जाए संभव नहीं। ना प्रतीतिस तयोर बाधा किंतु मिथ्यात्व निश्चय है, तयोह जीव जगतो है। और प्रतीति का नाम बाध नहीं है, मिथ्यात्व निश्चय का नाम बाध है।
इसका अर्थ है रस्सी को जला दो फिर भी रस्सी मिथ्या कब तक सिद्ध नहीं होगी, जब तक हैं। अरे मैं जो बोल रहा हूँ समल भांग पी के थोड़े बोल रहा हूँ भट्टाचार्य जी, भांग पी के नहीं बोल रहा। मैंने कहा रस्सी, रस्सी जब तक ब्रह्म का ज्ञान ना हो, रस्सी की व्यावहारिकी सत्ता है, व्यावहारिक वस्तु के मिथ्यात्व का निश्चय परमार्थ वस्तु के विज्ञान के बिना नहीं होता। मैं ये कह रहा हूँ रज्जु सर्प इसलिए नहीं कह रहा, सर्प का मिथ्यात्व तो रस्सी के ज्ञान से हो जाएगा, लेकिन रस्सी का मिथ्यात्व रस्सी के नष्ट हो जाने पर जला दें फिर भी नहीं होगा। नाश अलग चीज़ है, मिथ्यात्व का निश्चय अलग चीज़ है, बाध। तो पंचदशी कारण ने कहा ना प्रतिष्ठयोर बाध है किंतु मिथ्यात्व निश्चय है। यह तो ये कहा ब्रह्म विद्या मंत्र नाशो नास्ति। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति जब तक नहीं होगी तब तक प्रवाह रूप से संसार अनंत बना रहेगा। अनाज शांत होने पर भी, जैसे जब तक घट की उत्पत्ति नहीं होगी तब तक घट का प्राग अभाव अनादि होने पर भी अनंत रहेगा या नहीं, उसका अंत तभी होगा ना जब घटोत्पत्ति होगी। इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान जब होगा, ब्रह्म विद्या की उपलब्धि होगी, ब्रह्म की आत्मरूपता, आत्मा की ब्रह्मरूपता, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में, आत्मा स्वरूप ब्रह्म में, जगत की अध्यस्तता का और प्रामाणिक अचंचल निश्चय जब होगा तभी जाकर संसार का उच्छेद होगा। नहीं तो महाप्रलय में न रहने पर भी फिर उत्पन्न हो जाएगा महाप्रलय के बाद। इसीलिए संसार अनादि और अनंत है, लेकिन तत्वज्ञान में, ब्रह्म विद्या में वो क्षमता है कि अनादि संसार का भी मिथ्यात्व निश्चित हो जाता है। और ब्रह्म विद्या प्राप्त न हो तो बहुत ऊंची बात है। इस समय जिनको विद्या प्राप्त करने का अवसर प्राप्त है वो सोचते हैं कि फिर कभी का अर्थ होता है पता नहीं 200,000 वर्ष तक भी हो या नहीं, संयोग बने न बने मनुष्य बन जाएंगे मरने के बाद, फिर भारत में ही होंगे, फिर ब्रह्म विद्या जानने वालों का संपर्क ही होगा। फिर कभी मैं मतलब हो सकता कभी नहीं अरबों वर्ष बाद सही फिर कभी का मतलब, फिर कभी का अर्थ क्या है, अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसा ये ब्रह्म विद्या कब होती, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्यों गोपाल जी, गुरु जी तो हैं ही, चौमासे में पढ़ाते ही हैं, इस साल ना सही अगले साल सही इस साल तो हो गया, वो कभी नहीं होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, यह मान के चलना चाहिए। देव योनि है, अगर देव भोग्य पदार्थों से देवता विरक्त हो जाएं तो छांदोग्य सूत्र का 8वां अध्याय इंद्र को ज्ञान हुआ या नहीं, लेकिन 101 वर्ष तक प्रजापति की सेवा करनी पड़ी, हेलो हेलो नहीं, घर से राज्य से रानी से कोई संपर्क नहीं, और देव प्रजापति जी के बाग में काम करते थे मजदूर की तरह से, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, बाल वाल भी नहीं बनाते थे, सेफ्टी डेजर लेके नहीं गए थे, और रानी के अरिंद्रानी और राज्य कैसे चल रहा है कुछ भी नहीं संपर्क, 101 वर्ष में ज्ञान हुआ। देवताओं को भी जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक ज्ञान नहीं होगा। देवता में श्रवण मनन निध्यासन की क्षमता तो प्राप्त है, लेकिन वैराग्य हो तब तो भगवत तत्व के श्रवण मनन निध्यासन का सौभाग्य सुलभ हो। इस प्रकार से गंधर्व विशेष, अच्छा यमराज को ज्ञान था या नहीं, कठोपनिषद के अनुसार किसी किसी यमराज को, किसी किसी इंद्र को तत्वज्ञान भी होता है देव योनि में, देवताधिकरणम में इस पर विचार किया गया। देवताओं के देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में वो क्षमता है कि वो चाहें तो भगवत तत्व का श्रवण मनन निधिध्यासन करके विज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य के शरीर में रहकर
मलमूत्र सप्त धातुओं के बीच में रहकर भी जब इससे वैराग्य नहीं होता तब देव योनि में रहकर देव शरीर और भोग्य पदार्थों से वैराग्य होना बड़ा कठिन है। वैराग्य हो जाए तो देवता में क्षमता है, क्योंकि श्रवण मनन निध्यासन तीनों के अनुकूल उनका जीवन है। जिसका जीवन मनुष्यतर प्राणी में भी जिसका जीवन भगवत तत्व के श्रवण मनन निध्यासन के अनुरूप है उसको अगर वैराग्य हो गया तो तत्वज्ञान प्राप्त हो सकता है, नहीं हुआ तो नहीं होगा। इसीलिए ब्रह्म विद्या मंत्र नाशो नास्ति, ब्रह्म विद्या के बिना अगर सोचेंगे कि संसार का उच्छेद हो जाए संभव नहीं, तो अनंत कह दिया जाने तरा निवर्त्य है, टिप्पणी में लिखा कैलाश वालों के हाथ में। अनंत माने रिते ज्ञानान न मुक्ति, और कोई साधन नहीं, अन्य साधनों का परंपरा से विनियोग ज्ञान में होगा। अगर बचना चाहें कि ज्ञान से दूरी रखेंगे तो भक्ति से भी मोक्ष नहीं होगा, भक्ति का पर्यवसान भी जब ज्ञान में होगा तभी मोक्ष होगा, कर्म का पर्यवसान भी क्रम से ज्ञान में होगा तभी मोक्ष होगा। कर्मणा जायते भक्ति ही, भक्त्या ज्ञानम प्रजायते, ज्ञानात् प्रजायते मुक्ति ही। कूर्म पुराण नहीं, यह शिव पुराण का वचन है, शिव पुराण। कर्मणा जायते भक्ति, भक्त्या ज्ञानम प्रजायते, ज्ञानात् प्रजायते मुक्ति ही, इति शास्त्रेषु निश्चय है। तो भक्ति भी जब तक ज्ञान के रूप में परिणत नहीं होगी तब तक मोक्ष नहीं होगा, कैवल्य मोक्ष, बाकी तो चलेगा। तो ज्ञान तो अनंत है, माने ज्ञान के द्वारा ही संसार का अंत हो सकता है, अन्य कोई उपाय नहीं। नान्य पंथा विद्यते अनाय, कैवल्य के अलावे जो मोक्ष है उस मोक्ष दशा को प्राप्त करने के बाद कैवल्य की सीढ़ी कोई चढ़ सकता है क्या? नहीं चढ़ सकता, वहाँ साधन फिर उसको कोई सालों के मुक्ति किसी को। ऐसा है ना कि गीता का आठवां अध्याय लीजिए, एकया यात्यना वृत्ति मन्यया वर्तते पुनः, जो ब्रह्मलोक तक पहुंचने की क्षमता से संपन्न है, इतना साधन कर लिया है कर्मोपासना का, निष्काम भाव से समुचित अनुष्ठान उनके जीवन में हो गया कि देहत्याग के पश्चात वो ब्रह्मलोक जाएंगे। उत्क्रमण तो हो गया, ब्रह्मलोक तक गमन तो हो गया, लेकिन आज की तारीख में कोई ब्रह्मलोक पहुंच गया देहत्याग के पश्चात, तो जित महाप्रलय की जितनी अवधि शेष है, ब्राह्मणो द्वितीय परार्धे, ब्रह्मा जी की आधी आयु का नाम है परार्ध। ब्रह्मा ब्रह्मलोक के अनुसार ब्रह्मा जी आजकल जो है 51वें वर्ष में चल रहे हैं, आधी आयु 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके। इस समय जो ब्रह्मा जी के पद पर हैं वो 51वें वर्ष में चल रहे हैं, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष मर्त्यलोक की गणना के अनुसार ब्रह्मा जी की पूर्ण आयु है, ब्रह्मलोक की गणना के अनुसार 100 वर्ष, मर्त्यलोक की गणना के अनुसार 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष ब्रह्मा जी की आयु है, उसमें आधी आयु ब्रह्मा जी पार कर चुके। ब्राह्मणो द्वितीय परार्धे संकल्प में आज देहत्याग के बाद कोई ब्रह्मलोक पहुंचता है तो जितनी आयु ब्रह्मा जी की शेष है उतनी आयु तक ब्रह्मलोक में रहेगा। अपवाद स्थल यह है कि ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिन और जुना, अपवाद स्थल में कोई कोई ब्रह्मलोक जा कर के भी वहाँ से आ सकता है, लेकिन सामान्य नियम है कि ब्रह्मलोक में चला गया अब ब्रह्मा जी के लोक की या ब्रह्मा जी की आयु जितनी शेष है उतने समय तक क्या कहना ब्रह्मलोक का आनंद लेगा, उसके बाद ब्रह्मा जी के शरीर त्याग का, ब्रह्मा जी के मोक्ष का, ब्रह्मा जी की पूर्ण आयु की अवधि
बीतने का जब समय आएगा तब ब्रह्मा जी उसको तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे, उसके बाद वो ब्रह्मा जी के सहित ही मुक्त हो जाएगा। ये हो गया ना, धाम में गए, ब्रह्म धाम तक चले गए, सत्यलोक तक चले गए, तो सामीप्य भी हो गया, सालोक्य भी हो गया। अब ब्रह्मा जी के धाम में तो रबड़ी कचौड़ी कमी नहीं, रबड़ी कमची पूछ पहुँच नहीं, रबड़ी का चौड़ी से बढ़िया भोग राग वहाँ सुलभ है। छांदोग उपनिषद का है कि व्याख्या में शंकराचार्य जी ने ब्रह्मलोक की दिव्यता का अद्भुत वर्णन किया है, वो सब यहाँ हो चुका, तो ब्रह्मा जी से उपदेश प्राप्त करके मुक्त हो जाएगा, तो कैवल्य मोक्ष प्राप्त कर लेगा। ऐसे श्रीमन नारायण के धाम में गया, अगर उसकी भावना कैवल मोक्ष के अनुकूल है, महत्व है, तो भगवान से, नहीं तो नारद जी को बुला लेंगे, भगवान इनको जरा ज्ञानवान दे दो। प्रयत्न तो हेयत्व द्योतयित्वम अनर्थ इति विशेषणम्। अब कह दिया भगवान शंकराचार्य जी, अनर्थ है संसार, है अनर्थ। संसार का अर्थ क्या है? ब्रह्मलोक पर्यंत, चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड, उसको अनर्थ कहा। सामान्य व्यक्ति अनर्थ कह सकता है? चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड अनर्थ है। अर्थ माने सार, इसमें कुछ सार नहीं है। अनर्थ माने तात्पर्य, प्रयोजन की सिद्धि इससे नहीं होगी। संसार का अर्थ क्या होता है? अनित्य, जड़ और दुख, यही ना, असच्चिदानंद। संसार का वर्णन करेंगे तो मृत्यु का भय, जड़ता की प्राप्ति, दुख की प्राप्ति होगी ही। पूरे संसार को, ब्रह्मलोक तक, ब्रह्मलोक पर्यंत संसार को, ये क्या जो वहाँ मिले थे लक्ष्मीपुर वाले, अच्छा भाई ठीक, शर्मा जी, ये क्या ना, शुक्ल जी, हाँ अच्छा, क्या जन्म क्या लेंगे? वो तो ब्रह्मा जी के पद पर ही मुक्त हो जाएंगे। ब्रह्मलोक जब उनके धाम में पहुंचने वाला जन्म नहीं लेगा। एक याति अनावृत्ति, उत्क्रमण होता है, पुनर्जन्म नहीं होता ब्रह्मलोक में जाने वाला। और जो तत्वज्ञ, यही तत्वज्ञ हो गए ना, उत्क्रमण होता है ना पुनर्जन्म होता, क्या? और एक है जो उत्क्रमण भी होता है पुनर्जन्म भी होता है। एक जीव स्वर्ग आदि दिव्य लोकों में जाते हैं, क्षीणीय पुण्य मर्त्यलोकम भी संति, स्वर्ग स्वल्प अभी दुखदायी, उत्क्रमण भी हुआ, ऊर्ध्व लोकों में गमन माने उत्क्रमण, ऊंचा ऊपर उठना, उत्क्रमण भी हुआ, पुनर्जन्म भी हो गया। और ब्रह्मा जी के धाम में गया कोई मरने के बाद, उत्क्रमण तो हुआ, वहीं मुक्त हो जाएगा, पुनर्भव नहीं होगा, ठीक। और जो तत्वज्ञान यही जिनको मिल गया ना, उनका उत्क्रमण है ना पुनर्भव है। घट टूट गया, घट में रखा हुआ पानी ढक गया, यहीं उनका जो पुर्यष्टक है, कर्मेंद्रीय पंचक, ज्ञानेन्द्रीय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण चतुष्टय, इसका नाम पुर्यष्टक है। इसका उपादान जो तन्मात्र पंचक, फिर अविद्या काम कर्म सूक्ष्म और कारण शरीर का नाम है पुर्यष्टक। स्थूल शरीर तो खत्म हो ही गया, स्थूल शरीर में जो चलने फिरने आदि की क्षमता थी, वो जिसके कारण थी, कर्मेंद्रीय ज्ञानेन्द्रीय अंतःकरण और प्राण के कारण, वो भी तत्व ज्ञान के प्रभाव से यहीं खत्म। तो इसीलिए काशी का नाम है महाश्मशान, और जगह श्मशान काशी में, वहाँ जिसका देहत्याग होता है, ज्ञानी हो या नहीं, मनुष्य हो या नहीं, वहाँ जिसका देहत्याग होता है तो शरीर तो हो ही गया, वहाँ श्मशान या गंगा में प्रवाहित कर दो या दाह कर दो, गंगा तट पर जो दो श्मशान हैं, स्थूल शरीर। महाश्मशान क्या है? काशी में मरने वाले को तत्वज्ञ नहीं भी है तो दिव्य शरीर मिलता है, और स्वयं शंकर भगवान तारका ब्रह्म का उपदेश करते हैं। पार्वती जी उस जीव को ऐसे गोद में लिटा देती हैं भगवान, और आँचल से
ऐसे हवा करती हैं, और भगवान शिव दाहिने कान में राम तारका ब्रह्म दो हैं, या तो ओम या राम, दो ही का नाम तारका ब्रह्म है, इस मंत्र का उपदेश देते हैं। अब भगवान शिव जैसा कौन गुरु होगा, जो ही उनके मुख से निकला राम, दिव्य शरीर युक्त उस जीव को जिसने स्थूल शरीर का काशी में त्याग कर दिया, दिव्य शरीर युक्त जीव को भगवती पार्वती गोद में ऐसे लेटा लेती हैं, हवा करती हैं आँचल से, भगवान शिव दक्षिण कान में तारका ब्रह्म ओम या राम का उपदेश देते हैं। तो शक्तिपात वो राम का उपदेश होते ही राम नाम का जो अर्थ है उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। अर्थ जब प्रकाशित होता है तब उपनिषदों में क्या लिखा है, राम मंत्रार्थ विज्ञानी जीवन मुक्तो न संशय है। राम मंत्र के अर्थ का जिसको विज्ञान हो गया वो जीवन मुक्त हो जाता है। तो भगवान शिव से बढ़कर कौन गुरु होगा, उनके मुख से जब राम यह नाम उच्चारित होता है तो उस जीव के हृदय में अपने अर्थ के सहित प्रकट हो जाता है। जो अर्थ रामाय नमः का है वही अर्थ राम का है। राम चतुर्थी विभक्ति, आय फिर नमः, राम माने तत्पदार्थ ईश्वर, नमः माने त्वम पदार्थ जीव शोधित, आय चतुर्थी विभक्ति दोनों का एकत्व। जो महावाक्य का अर्थ है वही रामाय नमः, और केवल राम कहेंगे तो रो ईश्वर मो जीव, बीच में जो आ की मात्रा है दोनों का एकत्व। जो रामाय नमः का अर्थ है वही राम का अर्थ है, वही हम ब्रह्मास्मि का अर्थ है, वही प्रज्ञानम ब्रह्म का अर्थ है, वही तत्वमसी का अर्थ है, वही अयमात्मा ब्रह्म का अर्थ है। तो काशी में सूक्ष्म कारण शरीर भी जो ही तत्वज्ञान हुआ, तत्वज्ञान रूपी अग्नि से सूक्ष्म कारण शरीर भस्म हो जाते, तीनों शरीर से रहित हो गए। तीनों शरीर से रहित हो गए माने जीव अपने तात्विक स्वरूप ब्रह्म रूप में सदा के लिए प्रतिष्ठित हो गया। या उसमें केदार घाट है, उसमें यह है भैरवी यातना, भगवान वहाँ के कोतवाल कौन है, दंडाधिकारी भैरव जी। काशी में भैरव जी जो होते हैं वो यमराज के यहाँ नहीं जाएगा, काशी में पापी मरेगा तो यमराज के कोर्ट में नहीं, उनके अदालत उनके अदालत का विषय है। तो फिर क्या करते हैं, उसका एक है मंडन मिश्र सुरेश्वराचार्य के द्वारा काशी में मरने से मोक्ष होता है, ग्रंथ पूज गुरुदेव के 75 वर्ष की आयु में पूज गुरुदेव का शरीर पूरा हुआ, उससे 2 साल पहले वो ग्रंथ मिला था, बहुत लट्टू थे सुरेश्वराचार्य जैसे महापुरुष ने इस पर लिखा है काशी में मरने से मोक्ष, संस्कृत में बहुत बढ़िया ग्रंथ, वो अपने यहाँ कहीं है भी, अपने हमारे गुरु भाई थे ना वो नेपाली धन्य स्वामी शिवानंद जी ने, स्वामी शिवानंद जी नेपाली, उन्होंने छपवाया था बाद में। तो फिर क्या कहा, फिर क्या होता काशी में अगर रहा पाप भी किया, बाहर अगर पापी तापी काशी में पहुंच करके शरीर छोड़ दिया तो उसके पाप नष्ट हो जाते, काशी में रह करके पाप किया रचा पचा रहा काशी में देव से मर भी गया तो भैरव जी क्या करते हैं, उसको घुरकी इतना देते हैं कि बस उस घुरकी से उतना वो कंपित होता है, प्रकंपित होता है, जैसे भेड़िया के सामने बकरे को खूब खला फा के ले जाए, भेड़िया को देखते ही वो थर थर काँपने लगता है। भैरव जी 2-4 घुरकी देते हैं, उससे क्या है काशी में रहकर जितना पाप किया, यमराज के कोर्ट में जाता तो 5000 वर्ष तक नरक में रहता, वहाँ 5 मिनट में घुरकी से, बंदर घुरकी नहीं भैरव घुरकी से उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप नष्ट होते ही उसको दिव्य शरीर मिल जाता है, दिव्य शरीर मिलते ही फिर भगवान शिव उसको क्या करते हैं, भैरव रूप से पाप को नष्ट कर देते हैं, शिव रूप से उसको तार देते हैं। अब काशी के बाहर जो कबीरा काशी मरे राम ही कौन निहोर, राम ही कौन निहोर,
अब घर में भोजन है तो सदाव्रत का भोजन क्यों पावे भाई अन्य क्षेत्र में जाके। कबीर दास फक्कर थे, काशी में मर जाऊंगा तो राम को नहोरा क्या, काशी में तो जो भी मरेगा पापी तापी मुक्त हो नहीं है, तो मेरी विशेषता क्या रही। हाँ, एक महिला थी कांग्रेसी, इनको मालूम होगा याद है या नहीं, उसके साथ कोई पोती वोती रही होगी, वो ट्रेन में यात्रा में मिल गई, कहा महाराज देखिए टिकट है। हाँ टिकट है, आप नेता हैं आप बिना टिकट के यात्रा कर, टिकट है आपके सामने फाड़ देती हूँ और जाऊँगी, अब मेन गेट से जाऊँगी, टीटी चेक करेगा, अब मैं देखता हूँ कैसे जेल में, देखूँगी कैसे जेल में डालता है। तो हमने कहा टिकट है तो फिर क्यों बिना टिकट के बनती हो, नेता जो ठहरी तो मेरे सामने फाड़ के फेंक दिए टिकट, देखिए बिना टिकट यात्रा नहीं कर रही हूँ लेकिन जाऊँगी गेट से ही, टीटी तो दिखा करके, पहचाना तो पहचाना, नहीं पहचाना तो घुरकी देगा, तो फिर देखिए उसकी क्या दशा होती है, लेकिन बिना टिकट के ही जाऊँगी। कबीरदास ने कहा कि बिना टिकट काशी में जाऊँगा, मरूँगा तो किसी की भी मुक्ति हो जाएगी, फिर कबीर की अपनी व्यक्तिगत हैसियत क्या रही, इसलिए मगह में मरूँगा, मगह में शरीर को त्यागूँगा। फक्कर जी, यहाँ अगर किसी को तत्वज्ञान हो गया, तत्वज्ञान हो गया काशी के बाहर, तो भी वही गति होगी, शरीर छूटा तो कारण शरीर सूक्ष्म से भी तत्काल दग्ध हो गया, फिर वह जीव मुक्त हो जाता, यही कहा। जैसे कर्मयोग की परंपरा का गीता में वर्णन, भक्ति योग की ही परंपरा का वर्णन है कि ये महापुरुष, तो वैसा ये वेदांत दर्शन के माध्यम से कैवल्य मोक्ष पाने वालों की परंपरा का भी कोई मिला। सनत कुमार तो कौन है, तो नित्य मुक्त नहीं हो तो, अगर जन्म हुआ है तो नित्य मुक्त तो भगवान या भगवान नित्य मुक्त भगवान ही होते हैं। और त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद के अनुसार जो भगवत धाम होता है उसमें नित्य मुक्त पार्षद आदि भी होते हैं, ये सब भी है। और इदम ज्ञान उपासित्य ममसा धर्म मागता, भगवान ने कहा, और बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता, उसमें जनक इत्यादि का नाम है या नहीं, सब पीढ़ी के पीढ़ी मुक्त हुए थे, राजर्षियों में मुक्त हुए थे, छांडोग उपनिषद में जीवन मुक्तों का नाम है या नहीं, ये हुए ये हुए ये हुए, अच्छा ऐत्रेय उपनिषद आज में लीजिए, वामदेव जी हुए या नहीं, वामदेव जी मुक्त हो गए, जर भरत तो मुक्त हो ही गए या नहीं, जड़ भरत वामदेव जी ये सब हजारों, गीता में बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता, पुराणों में उन मुक्तों की झड़ी लगी है, योग वासिष्ठ में तो सैकड़ों नाम मिल जाएंगे जो तत्वज्ञ हुए मुक्त हुए। हाँ हो गया, प्रयत्न तो हे यत्वम द्योतयितुम अनर्थ इति विशेषणम, माने प्रयास पूर्वक संसार को हे समझना चाहिए, हे माने त्याज्य, बहुत विचित्र बात है। पुजोरियावाजी महाराज के पास एक आए, महाराज हमने सुना है पहले कोई तप करते थे तिलोत्तमा रंभा आदि, तप से विचलित करने के लिए आ जाती थी, आजकल ऐसा नहीं होता। तो उरियावा तो फक्कर थे, अरे भैया गली कुची की छुसुंदरी से ही फुर्सत नहीं है तो तिलोत्तमा की क्या जरूरत है। हाँ वो कोई फक्कर महात्मा ऐसे ही बोलते, बुरा लगो लो अच्छा लगो उसे कुछ। उसके बाद एक व्यक्ति आया, महाराज मैं तो जीवन मुक्त हो गया आपका उपदेश सुनकर, अब क्या करूं। बेटा तो अब शादी कर ले। फिर कहा कि वो बेवकूफ़ नहीं, उड़ीसा बिहार के व्यक्ति बेवकूफ़ नहीं बोल पाते, बेवकूफ़, अरे बेवकूफ़ कहीं का, जीवन मुक्त हो गया तो तुम्हें अपने कर्तव्य भी बच गया, अब मैं क्या करूं, तो जीवन मुक्त नहीं हुआ शादी कर। इसीलिए प्रयत्न तो हे आत्मम द्योत ये तो मन अर्थ इति विशेषणम, प्रयास पूर्वक संसार से तरने का वानक बनाना चाहिए,
ब्रह्मलोक तक के वैभव को भी हेय समझना चाहिए। हेय माने त्याज्य। हेयम दुख मनागतम, क्या ये ज्ञान की चर्चा ही अच्छी लगती है। ब्रह्मलोक का क्या, एक बढ़िया सा आम पका हुआ आ जाए और कहीं भंडारा हो जाए तो 7 दिन तक मठ में रहने पर भी दिखाई नहीं पड़ते। ये 7-7 दिन मठ में अभी थे, 7-6 दिन से दिखाई नहीं पड़े, तो बड़ी विचित्र बात है। मन हम हो या आप, सोचने की बात है। ब्रह्मलोक का थोड़ा हो छोड़ दीजिए, वहाँ तो एक बढ़िया आम रबड़ी कचौरी की ही बात हो जाए। 2 इंच जमीन के लिए मर मिटते हैं, फिर ब्रह्मलोक से भी वैराग्य होना कहना अलग चीज है, होना तो बहुत कठिन है ना। सबसे ज़्यादा धृति मेधा शक्ति की आवश्यकता केवल मोक्ष की प्राप्ति के लिए चाहिए। उतनी मेधा शक्ति धृति ना हो तो फिर मोक्ष के कई विकल्प हैं। तो प्रयत्न पूर्वक संसार को हेय समझना चाहिए। अयोगास्पद वियोगास्पद संयोगास्पद होने के कारण जो कुछ है अच्छा या बुरा सब हेय है। क्या क्या आप क्या कौन है आप हो? हाँ कहिए। मेधा के निंदा में तात्पर्य नहीं है। यज्ञ दान तप की भी तो निंदा की गई है। एक वाक्य याद रखिए, नहीं निंदा निंद्यम निनितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तोत्रम। क्या? नहीं निंदा निंद्यम निनितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम। निंदा का तात्पर्य निंद की निंदा में नहीं होता, विधिषित अर्थ की प्रशंसा में होता है। निंदा का तात्पर्य निंदा में केवल एक जगह होता है, उसका नाम है भूतार्थवाद। समझ गए? गीता में आया, न यज्ञ से न दान से न तप से ये मिल सकता है। ये सब तो वहाँ पर यज्ञ दान तप नहीं, वहाँ पर भगवत भक्ति की प्रशंसा में तात्पर्य है। भक्तहीन व्यक्ति चाहे यज्ञ करे, दान करे, तप करे, फिर भी काम नहीं बन सकता। वहाँ यज्ञ दान तप न मेधया बहुना सुते न, तो श्रवण बंद कर देंगे क्या? उसका यमे वैसा वृणते, वहाँ पर भगवत शरणागति में या भगवान को वरण करने की दृढ़ता में तात्पर्य है। जिस साधन की प्रशंसा के लिए किसी की निंदा की गई है, उस साधन की प्रशंसा में निंदा का तात्पर्य होता। आपके समान भी कोई बुद्धिमान है क्या? यहाँ अन्य बुद्धिमानों की पगड़ी उछालने के लिए यह वाक्य नहीं है। अन्यों की निंदा अमुक व्यक्ति की प्रशंसा में सन्निहित है, इसलिए यज्ञ दान तप इन सब की निंदा नहीं, स्वाध्याय की निंदा नहीं, प्रवचन की निंदा नहीं। तो फिर क्या है? शरणागति वरण की भावना वैराग्य की प्रशंसा में तात्पर्य। भूतार्थवाद मन यथार्थवाद, मृत्यु से मृत्यु आपनोति, मौत से मौत को प्राप्त करता है जो, यह नानेव पश्यति, नाना सरीखा देखता है। तो संसार की जो यहाँ निंदा है ये भूतार्थवाद है, क्योंकि मृत्यु फल मिलता ही है, जड़ता फल मिलता ही है, दुख फल मिलता ही है। भूतार्थवाद मन यथार्थवाद, सावधान अग्नि को मत छूना, छुओगे तो जले बिना नहीं रहोगे। अग्नि जलाने वाली, आग जलाने वाली वस्तु है। यहाँ जो है आग को जलाने वाली वस्तु कहेंगे, जो छुएगा वो जलेगा, जले बिना नहीं रहेगा। राम राम अग्नि से दूर रहना, ये जला देती है, ये भूतार्थवाद। भूतार्थवाद के अतिरिक्त स्थलों में निंदा जो है वो निंदा के लिए नहीं है, निंद की निंदा के लिए नहीं है। अभीष्ट वस्तु या व्यक्ति की प्रशंसा में उस निंदा का उपयोग या विनियोग है। समझ गए? कहाँ से मैंने बोला? आनंद गिरी जी ने लिखा है। भूतार्थवाद के अतिरिक्त स्थल में निंदा का तात्पर्य निंदा में नहीं होता।
भूतार्थवाद में तो निंदा में होता ही है। नैसर्गिक पाठे तो कारण रूपेण तत्व उन्नेयम, कहीं कहीं नैसर्गिक भी पाठ है, तत्व नैसर्गिकत्व स्वरूपेण अनादित्व इति यावत्। या नैसर्गिकोयम लोक व्यवहार भगवान शंकराचार्य ने अन्यत्र भी लिखा है, इस प्रकार से अनादि है, प्रवाह रूप से अनंत काल तक चलता रहेगा, निसर्ग सिद्ध है यह। यस्मात् कर्म संसार फलम न मोक्षम फलयति तस्मात् स्वनिदान संसार निवर्तकात्मक ज्ञानार्थत्वेन साधन चतुष्टय संपन्नम अधिकारिणम अधिकृत्य वेदांतारंभ संभवत इति उपसंहरति। वेदांत का आरंभ है क्यों, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सब संबंध भाष्य है। यस्मात् कर्म संसार फलम न मोक्षम फलयति, बहुत बढ़िया है, कर्म करेंगे तो संसार ही फल के रूप में प्राप्त होगा, क्योंकि साध्य साधन उभयात्मक संसार है ना, संसार में कुछ हम साधन है कुछ साध्य है, भोजन बनाने की सामग्री भी संसार है, भोजन बनाने में सहयोगी ईंधन आदि भी संसार है, भोजन बन जाए वो भी संसार है, भोजन के करने से तृप्ति हो जाए वो भी संसार है। तो बहुत अच्छा है, कर्म का फल संसार की प्राप्ति है। यस्मात् कर्म संसार फलम न मोक्षम फलयति, मोक्ष रूप फल फल मोक्ष रूप फल फल दे, मोक्ष रूप फल दे दे कर्म में वो क्षमता नहीं। स्वामी वो हमारे प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज बड़े विनोदी थे, देखा वैराग्य युवा को, वैराग्य युवा कीर्तन वाले कहाँ वृंदावन, एक लादा जी सेठों से पाला पड़ जाए तो वो सावधान रहना, ब्राह्मण लोग ठग ना लें, इसीलिए सेठ लोग कर्मकांड आदि की पुस्तक भी पढ़ते हैं, वेदांत आदि भी पढ़ते हैं, कोई ठग ना ले उनको, उनका मोक्ष के लिए नहीं पढ़ते प्रायः, ब्राह्मणों के चपेट में ना आ जाऊं, ब्राह्मण ठग न लें इसलिए। तो एक बनिया आ गया, भाई सच्ची बात है, वैरागी बाबा तो कीर्तन करते थे ऐसे ऐसे, उसने कहा वैरागी बाबा ब्रह्म ज्ञान करा दीजिए। अब उन्होंने सोचा कि झूठ मुझ को कुछ बोलूंगा तो पकड़ लेगा, बनिया है ये, बहुत वेदांतियों का सत्संग करता है। उन्होंने कहा वैरागी बाबा के कोई गुरु नहीं थे, कानपुर थे, उन्होंने कहा कि देखो मैं प्रभुदत्त जी महाराज को गुरु मानता हूँ, प्रभुदत्त जी के पास चले जाओ। प्रभुदत्त जी महाराज के भी कोई गुरु नहीं थे आध्यात्मिक, वो भी स्वयंभू और वैरागी बाबा भी स्वयंभू, तो वो बनी वैश्य चला गया वृंदावन में प्रभुदत्त महाराज जी के पास। अब उन्होंने सोचा ये भी बनिया है, प्रभुदत्त जी महाराज ने कहा सुनो सुनो क्या है, किसने भेजा, वैरागी वाले तो ऐसे ही बोलते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, सुन लो कुशल मंगल तो है शेर जी, एक व्यक्ति ने शीतला देवी की आराधना की, शीतला देवी प्रकट हो गई, क्या माँ घोड़ा दीजिए, उन्होंने कहा मेरे पास घोड़ा होता तो गधे को क्यों बनाती वाहन। तो प्रभुदत्त भंडारी जी ने कहा मुझे ब्रह्म विद्या होती तो कीर्तन करता नाचते रहता राम 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 क्या करते कैसा, मुझे नहीं ब्रह्म विद्या प्राप्त है, किसी और के पास जाओ। बेचारे बैरागी भगवान ने भेज दिया प्रभुदत्त जी के पास, उन्होंने कहा शीतला देवी से घोड़ा मांगना, शीतला देवी क्या कहेंगे, अरे भैया तुम मुझसे घोड़े मांगते हो, मेरे पास घोड़े की कमी है तभी तो गधा पालती हूँ, तो भैया मैं सब ब्रह्म ज्ञानी होता तो मैं कीर्तन क्यों करता।
इसीलिए कहा, अरे कर्म का फल तो संसार है, बेटा पोता ये सब ले लो, धन ले लो, वैभव। हाँ नहीं नहीं, अपने को मध्य संप्रदाय से जब बहुत लोगों ने तंग किया, जैसे देवरावा बाबा के अनुयायियों को उनको बहुत तंग किया लोगों ने, कह दिया अच्छा कुछ कहना ही है तो रामानुज संप्रदाय का मुझे मान। देवरावा बाबा ऐसे प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी जी को बहुत लोगों ने किया, अंत में कह दिया अच्छा तो वल्लभ संप्रदाय का मान लो, यानी मार्स वो क्या मध्य संप्रदाय का मान लो। अब उनके ऐसा है ना स्वामी, ये जो है ना रामस नहीं वाले, इनको जब बहुत लोग खोजते हैं तो कहते हैं अच्छा तो कुछ करनी है ना तो श्री रामानुज संप्रदाय का हमको मान लो। अब रामानुजाचार्य महाभाग तो मूर्ति पूजा मानते थे, ये लोग तो निराकारी थे ना पहले, तो अब किसी न किसी सत संप्रदाय से जुड़ के ही रहना है, तो अब रामस नहीं संप्रदाय वाले कहने लगे हैं श्री रामानुज संप्रदाय से मुझे मान लीजिए। श्री वल्लभाचार्य यह मान प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के जो शिष्य हैं ना श्री रामानुज संप्रदाय के अंतर्गत अपने को मान रहे हैं, वो परंपरा कोई नहीं थी उनका, तो निंदा में तात्पर्य नहीं है, वो मुझको बहुत मानते थे, बहुत ही स्नेह करते थे श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज, लेकिन अपने फक्कर थे। तो यही कहा कि भाई कर्म का फल तो संसार है, कर्म संसार रूप फल को फलता है। मुक्त मुनि नाम मृग्यम किमपि फलम देवकी फलति, मुक्त मुनि नाम मृग्यम, वृंदावन वाले कहते मुक्त मुनियों के लिए भी मृग्य अनुसंधेय जो कोई दुर्लभ तत्व है उसको देवकी फलती है, लेकिन जो फलती है जन्म देती है वो सुख नहीं उठा पाती, पालती है यशोदा। यशोदा भी पालती तो है लेकिन उसका रस रस गोपियों को पता है रासलीला में, लो जी जिसने जन्म दिया उसे पालने का अवसर नहीं मिला, और जिसने पाला वो तो मातृशक्ति हो गई, लाभ उठाया गोपियों ने, उपजत अनत अनत छवि लही हो गया। तो संसार कर्म जो है संसार रूप फल को फल सकता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसाह जघन्य गुण वृत्तिष्ठा धो गच्छन्ति तामसाह, ऊपर का फल लीजिए, बीच का फल लीजिए, नीचे का फल लीजिए, तीनों फल है। कटहल को देखा है, कटहल में कभी ऊपर फल लगता है कभी क्या, एक साथ भी कुछ ऊपर फल कुछ बीच में फल कुछ बिल्कुल मूल के पास भी फल। कोई कोई कटहल होता है जहाँ से उसका जन्म हुआ धरती के पास वहाँ भी इतना इतना बड़ा फल लग जाता है। ऐसे ही संसार ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था दो गच्छन्ति तामसाह, ऊपर का फल भोगो कभी बीच का फल भोगो कभी नीचे का फल भोगो, कभी नरक का फल भोगो कभी मर्त्यलोक का फल भोगो कहीं ऊपर का फल भोगो, संसार रूप फल ही कर्म दे सकता है। यस्मात् कर्म संसार फलम न मोक्षम फलयति, मोक्ष रूप फल देने के लिए संसार है ही नहीं, इसका अक्लिष्ट उपयोग करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अथवा जैसे जल नीचे ही बहता है लेकिन फव्वारे आदि या यंत्र का आलम्बन लेकर उसको 110वीं मंजिल तक पहुंचा सकते हैं, इसी प्रकार से कर्म को ऊर्ध्वमुख कर देंगे तो भक्ति तक, भक्ति को ऊर्ध्वमुख कर देंगे तो ज्ञान तक परंपरा से, चंबल का लय यमुना में, यमुना का लय हो गया गंगा में, गंगा का लय सागर में, ऐसा लय लय के द्वारा। इसीलिए संसार क्या है, कर्म का फल है, कर्म संसार रूप फल दे सकता है, स्वर्ग नरक ये सब। यदि ये क्रम है तो क्या कोई ज्ञान की साधना सीधे भी कर सकता है बिना कर्म या भक्ति का? पूर्व जन्म में अगर कर चुका है तो लभते पौर दे कम क्या जरूरत, नहीं तो फिर तो पापड़ बेलते रहो, जो जन्म से ही हाँ बिना कैसे हो, तो फल मिल गया ना लभते पर्व दे ही कम, बहुत अच्छा है। मौत
सुसुप्ति जो है, मौत को सुसुप्ति बनाना, मृत्यु को सुसुप्ति तुल्य बना दीजिए। इस समय जितनी दूरी तय करके वृक्ष के नीचे सो गए, अब जगने पर उतनी दूरी तो तय है ही, आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही जितना ज्ञान विज्ञान प्राप्त करके सो गए, जगने के बाद उतना ज्ञान विज्ञान तो मिलेगा ही। जितनी परमार्थ पथ में, परमार्थ पथ की ओर जितना चल बढ़े, और तो सब, हमने एक बार पुष्पा दीक्षित से जैसे कहा, अब तो मिलती नहीं है कि देखो, हजारों बार तो व्याकरणाचार्य जितने व्यक्ति हैं, हजारों बार तो अनादिकाल से व्याकरणाचार्य हुए होंगे। पहली बार कोई व्याकरणाचार्य होता है क्या? अनादिकाल से जीव जन्म ले रहा है, लेकिन उस विद्या पर भी तो ध्यान दो जो विद्या नष्ट नहीं होती। कांपने लग गई। कोई ऐसा है व्यक्ति जो अनादिकाल से कई बार व्याकरणाचार्य न रहा हो, साहित्याचार्य न रहा हो? क्या ऐसा तो नहीं है? कोई ऐसा है? हो सकता है इनमें से कई इंद्र रहे हों, कई बार इंद्र भी रहे हों, वरुण भी रहे हों। तो हमने क्या संकेत किया? केवल यह एक चीज़ है कि जहाँ तक साधन करके शरीर छोड़ा, लभते पौर्व देहिकम, उतनी निष्ठा अपने आप प्रकट हो जाती है। तो कर्मोपासना का फल लेकर ही जिनका जन्म हुआ, जैसे जड़ भरत, उनको फिर कर्म उपासना की घाटी कहाँ पार करनी पड़ी। और अपने पिताजी से तत्व का श्रवण भी प्राप्त हो गया था, किसी से? ऋषभ देव जी से। मृग शरीर में तो किसी से सुना नहीं, जड़ भरत होने पर किसी को गुरु बनाया नहीं, क्योंकि वो प्रतिबंधित था प्रारब्ध के कारण। जैसे कोई बीज है पृथ्वी में, अंकुरित भी है, एक पत्थर ला के रख दिया ऊपर, पत्थर पड़ गया, तो बीज डालने की जरूरत नहीं है, पत्थर को हटाने की जरूरत है। वामदेव ऋषि हुए हैं, उनको श्रवण मनन सब पहले ही प्राप्त था प्रारब्ध के कारण। जैसे तीन जन्म द्विज वचन प्रमाणा हते न मुक्त भये, भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी मुक्त नहीं हुए, क्योंकि हते भगवाना तीन जन्म द्विज वचन प्रमाणा प्रारब्ध। बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। किसी प्रारब्ध के फलस्वरूप किसी को पांच जन्म मिलना है। कितना भी भजन करे, श्रवण मनन करे, पांचवें जन्म में ही वो फलीभूत होगा, प्रतिबंधित रहेगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। पांचवा जो जन्म होगा, उस प्रारब्ध के फलस्वरूप जो अंतिम जन्म होगा, उसी में जा करके वो ज्ञान प्रकट होगा। इसीलिए प्रबुद्ध योग भ्रष्ट जो होते हैं, आरंभ से ही निवृत्ति मार्ग पर चले जाते हैं। मध्यम कोटि के जो या सामान्य योग भ्रष्ट होते हैं, वो कबीरदास बाबा ने कहा, बहे बहाए जाते लोक वेद के साथ, पेड़िया में सदगुरु मिलो दीपक दीना हाथ, अथवा योगिना मेवा के पहले श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। मध्यम कोटि के योग भ्रष्ट, उत्तम कोटि के योग भ्रष्ट वो होते हैं जिनको जन्म से ही, हाँ, वामदेव जी, कोई गुरु की जरूरत नहीं, माँ के गर्भ में ही ज्ञान प्रकट हो गया। प्रारब्ध था माँ के गर्भ में एक जन्म का, आते ही ज्ञान प्रतिबंधित था, समाप्त हो गया। किसी किसी को माँ के गर्भ से बाहर आते ही तत्व ज्ञान हो जाता है, बिना गुरु के पहले वाले गुरु का उपदेश फलीभूत हो जाता है। किसी किसी को जन्म लेने के बाद फिर गुरु भी कर्मोपासना की घाटी पार करके आया, लेकिन तत्व ज्ञान के लिए उसे फिर गुरु की भी आवश्यकता होती है। तो योगा भ्रष्ट में भी कई भेद, किसी का माँ के गर्भ में ही को ज्ञान हो जाता है, किसी को जन्मने के बाद ही ज्ञान हो जाता है, किसी को पुनः गुरु की आवश्यकता होती है। तारतम्य में गर्भ में आना उनका अनिवार्य है, जिनका ज्ञान प्रतिबंधित है, अथवा जो कारक कोटि के व्यक्ति, वशिष्ठ आदि का प्रारब्ध इतना लंबा है, बीच में अगर यजमान ही साफ दे दे, किसी कारण शरीर छोड़ना पड़े, छोड़ना पड़ता है ना, छोड़ना पड़ा भी, तो कारक कोटि के जो व्यक्ति हैं, तत्वज्ञ होने पर भी उनका जन्म होगा। जैसे स्वप्नावस्था में नया शरीर मिलता है या नहीं,
ऐसे उनको कारक कोटि के व्यक्ति जीवन मुक्त होकर भी जन्म ले सकते हैं, क्योंकि उनका प्रारब्ध इतना लंबे समय का है, वो पूरा प्रारब्ध क्षीण होगा तब विदेह कैवल प्राप्त होगा, इस समय जीवन मुक्त होकर भी जन्म लेंगे कारक कोटि के व्यक्ति। सामान्य नियम यह, इसी जीवन में तत्व ज्ञान हो गया तो फिर क्या होगा, शरीर छूटने के बाद सदा के लिए विदेह कैवल्य मोक्ष प्राप्त होगा। ना तो ये हो गया कि जो आज अपने को ज्ञान मार्ग का साधक बताते हैं और कर्मोपासना के प्रति हे भाव रखते हैं, इसका मतलब वो प्रिय नहीं होंगे ना रखते तब कैसे हो? ऐसा है ना कि अगर कोई MSc में है, पढ़ रहा है या MSc पास कर गया, तो MSc या BSc आदि की या प्राइमरी स्कूल की निंदा करेगा? अरे ये सब घाटी पार करके आया है, तब तो तुम MSc हुए या MSc को पढ़ाने वाले हुए। तो जो कर्म उपासना की निंदा करते हैं, मान लेना चाहिए कि दम्भी हैं और बिल्कुल अनधिकृत हैं, क्योंकि कर्म उपासना की घाटी पार किए बिना। हाँ, अगर किसी साधक को प्रबोधित करने के लिए तुम यहीं पड़े हो, वो निंदा नहीं है, उसको ऊपर उठाना, जैसे दक्ष के पुत्रों को जहाँ जा रहे थे उससे ऊपर उठा दिया किन्होंने, नारद जी ने, वो निंदा वहाँ तात्पर्य नहीं है, जहाँ तुम हो यहीं मत अटके रहो, वो तो निंदा नहीं है। बाकी जो कर्म उपासना की निंदा करते फिरते हैं ज्ञान के नाम पर, उनको समझना चाहिए ये दम्भी हैं, ये स्वयं अकृतार्थ हैं और ये बिल्कुल दूसरों को चौपट करने वाले हैं। हाँ, एक बहुत ऊंची बात है कि अब संसार बहुत, अब एक दार्शनिक दृष्टिकोण विशेष है, संसार क्या होगा इस पर विचार करें। संसार कर्म जो है संसार को ही फलता है, लेकिन कर्म भगवान के उन्मुख हो जाए इसके लिए क्या करना चाहिए? पहले शंकराचार्य इसी भाष्य में बता चुके हैं, प्रवृत्ति मार्ग का मूल क्या है, विवाह, जाया में स्यात, यहीं से सारा गोरख धंधा प्रारंभ होता है। पहले बताया बृहदारण्यक उपनिषद का वचन उद्धृत करके, शास्त्रीय प्रवृत्ति मार्ग तो बिना पत्नी के संभव ही नहीं, प्रवृत्ति मार्ग, जाया में स्यात, पत्नी मुझे प्राप्त हो। तो कर्मकांड का मूल है विवाह, जाया, पत्नी, दार परिग्रह, ये हो गया। अब यह यहाँ पर है कि गीता का 3rd अध्याय लीजिए, कर्म का मूल क्या है, शास्त्र सम्मत कर्म का मूल वेद, यज्ञ भवत पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म ब्रह्मोद्भवम विधि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, ब्रह्म माने वेद। यहाँ पर कर्म का मूल है वेद, वर्ण धर्म आश्रम धर्म मानव धर्म का ज्ञान वेद से होगा, जैसा तैसा कर्म नहीं, शास्त्र सम्मत कर्म का मूल है शास्त्र वेद। वेद कौन है, भगवान के निश्वासभूत, वेद के मूल कौन है, भगवान अक्षर। अच्छा, कर्म अगर नीचे की ओर जाएगा तब यज्ञात भवत पर्जन्य, कर्म का पर्यवसान किस में होगा, यज्ञ संज्ञक अपूर्व में, इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय न मम। अब यज्ञ में अंतिम आहुति दे दी, पूर्णाहुति, एक एक आहुति देवता के निमित्त देते गए और अंत में पूर्णाहुति हो गई, तो यज्ञ तो समाप्त हो गया और यजमान को तो फल मिलना है शरीर छूटने के बाद या 2 वर्ष बाद, तब तक क्या कर्म अगर नष्ट ही हो गया तो फल कौन देगा, बीज ही नष्ट हो गया तो अंकुर कहाँ से होगा, उसी का नाम है अपूर्व, उसी को गीता के 3rd अध्याय में यज्ञ कहा। यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्ता के अंतःकरण में उसके द्वारा अनुष्ठित कर्म संस्कार विशेष के रूप में अपूर्व के रूप में तब तक विद्यमान रहता है जब तक वह अभीष्ट फल समय पर न दे दे। तो कर्म के गर्भ से अपूर्व यज्ञ निकलता है,
और यज्ञ का फल जो इंद्रायस्व आदि में, यज्ञ का फल क्या होता है? बादल और वृष्टि, पर्जन्य। पर्जन्य माने बादल और वृष्टि। वृष्टि का फल क्या होगा? वृष्टि का फल अन्न, अन्न। अब अन्न का फल क्या होगा? रज और वीर्य। वो भी शंकराचार्य अनुसयी जीव इतना बढ़िया वर्णन किया अनुसयी जीव का, पहले छांदोग्य आदि में आ गए। अनुसयी जीव जौ के पौधे कहीं पैदा हुए, कितना वनस्पति विज्ञान था शंकराचार्य का। जौ के पौधे कहीं पैदा हुए, किसी प्राणी क्या है भक्ष नहीं बने, किसी प्राणी की दृष्टि नहीं गए कहीं पर्वत आदि गुफा या कहीं ऐसी जगह। मान लो जौ का पौधा पैदा हो गया, कहीं से बीज गिर गया होगा, वो बेचारा किसी का भक्ष बिने बिना खत्म हो गया। वो समझिए वो जीव नहीं था, अनुसयी जीव। अब वो जो अन्न आ गया, जीव तो वर्षा में तादात्म्यपन होकर पंचाग्नि विद्या के अनुसार मान लीजिए अन्न, अन्न का सेवन कर लिया नैष्ठिक ब्रह्मचार्य जी ने। अब वो तो मेधा शक्ति आदि में विनियोग होगा, संतान में तो उपयोग नहीं होगा। किसी ने बंध्या ने सेवन किया, या अत्यंत वृद्ध ने सेवन किया, या फिर क्या हो गया? वो सब गया, वो तो जीव, फिर जीव से जीव नहीं निकलेगा। लेकिन संतान उत्पन्न करने वाली क्षमता वाली स्त्री पुरुष वाली स्त्री या पुरुष ने अन्न का सेवन किया, उससे सप्त धातु की निष्पत्ति हुई, रज और वीर के योग से संतान की उत्पन्न हो उत्पत्ति हो गई। इसलिए यज्ञात भवत पर्जन्य, पर्जन्याद अन्न संभव, अन्न का परिणाम प्रजा। कर्म जब नीचे की ओर जाता है, प्रवृत्ति की ओर जाता है, तो लाला लाली को जन्म देने, लाला लाली बनने की क्षमता होती है, जन्म देने जन्म लेने की योग्यता। कर्म का अंतिम फल है क्या? प्रवृत्ति पर व्यवसायिक कर्म से क्या होगा? किसी को जन्म देंगे, किसी से जन्म लेंगे, जन्म देने जन्म लेने की क्षमता की परिपुष्टि। प्रजा में जाकर कर्म का प्रवृत्ति मार्ग से पर्यवसान होता है। अब अगर कोई बुद्धिमान है तब क्या करेगा? कर्म का लक्ष्य अगर ब्रह्म को बना लिया तो कर्म को ब्रह्म तक, कर्म माने कर्ता के समाश्रित जो कर्म है, उस कर्म को या उस कर्म के द्वारा कर्ता, कर्ता ने अपने कर्म का विषय किसको बना लिया? ब्रह्मार्पणम ब्रह्मभि, ब्रह्म को। तो गीता के तीसरे अध्याय के अनुसार गणित की दृष्टि से उस कर्म के और ब्रह्म माने परमात्मा, उस कर्म के और परमात्मा जिनको अक्षर कहा गया गीता में, के बीच में कौन सी घाटी रही? वेद ब्रह्म। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम। कर्म को ब्रह्म से उत्पन्न समझो, ब्रह्म माने शब्द ब्रह्म वेद, और वेद की उत्पत्ति होती है, अभिव्यक्ति होती है परमात्मा से, अक्षर से। अगर हमने, बहुत ऊंचा विज्ञान है ये, अगर हमने कर्म का, कर्म को उसके उद्गम स्थान की ओर ऊर्ध्वमुख कर दिया, तो कर्म और परमात्मा के बीच में कितनी घाटी है? अरे एक ही घाटी, वेद की घाटी। और वेद में मान लीजिए 100,000 मंत्र हैं, विष्णु पुराण से बोल रहा हूँ, 80% कौन से मंत्र हैं? कर्मकांड फरक, 16% उपासना कांड फरक, 4% ज्ञान कांड फरक। तो गीता का 6th अध्याय लीजिए, क्या सुने विवेक जी? एक वाक्य हम लोग बोलते हैं तो 25 जगह से सामग्री प्राप्त करते हैं, इसलिए ब्रेन हेमरेज हो जाए, हर वाक्य को हमारे समझने का प्रयास किया जाए तो ब्रेन हेमरेज ही हो जाए, या मूल निकालने का प्रयास किया जाए, एक एक वाक्य की निष्पत्ति में 25-25 जगह की सामग्री, कुछ वहाँ, फिर जाकर एक एक वाक्य की संरचना होती है। तो भगवत कृपा है, गुरुओं कृपा है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। क्या लिखा है एकादश स्कंद में नव योगेश्वर के लिए? श्रमणा वात रसना दिगंबर थे अध्यात्म ऋषभदेव जी के पुत्र 9, श्रमणा
वात रसना दिगंबर होने पर भी ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए बहुत श्रम किया था, तो बहुत श्रम करना पड़ता है। तो हमने क्या कहा कि कर्म को जब ब्रह्म परमात्मा की ओर ऊर्ध्वमुख कर देंगे तो परमात्मा और कर्म के बीच में एक घाटी रहेगी, उसका नाम है वेद। वेद में 80% कर्मकांड परक, 16% उपासना कांड परक, 4% ज्ञान कांड परक मंत्र हैं। गीता का 6वां अध्याय ले लीजिए, जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। योग का जिज्ञासु भी, तत्वज्ञान का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्मरूप वेद का अतिक्रमण कर जाता। तो कितने प्रतिशत शब्द ब्रह्मात्मक वेद का अतिक्रमण हो गया? 96%। 96-94 का जनेऊ होता है ना, 96-94 का जनेऊ क्यों होता है? 80% कर्मकांड परक, 4% ज्ञान कांड उपासना कांड परक, वेद के दायित्व का निर्वाह मुझे प्राप्त हो रहा है, वो स्मारक है 96-94 का जनेऊ। कर्म उपासना में वैदिक विधा से अधिकृत मैं हूँ, तो वैदिक विधा से कर्मोपासना का संपादन करूँगा, इसलिए 96-94 का जनेऊ धारण किया जाता है। ज्ञान कांड की बात नहीं, कर्मोपासना का दायित्व का स्मारक है वो यज्ञोपवीत। कर्मोपासना 80 और 16। हमारा शरीर कितने अंगुल का है अपने अंगुल से? 96। 84 तो है 3.5 हाथ में, संधि 1 4 अंगुल, संधि 4 अंगुल, संधि 12 अंगुल, 84 में 12 जोड़ दीजिए, अपने अंगुल से 96 अंगुल का शरीर भी है, और 96-94 का जनेऊ भी होता है, और 96 का अर्थ होता है 80% कर्मकांड, 16% उपासना कांड। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। जब हम कर्म का लक्ष्य परमात्मा को बना देते हैं तो कर्म और परमात्मा के बीच में वेद की घाटी रहती है, और तत्काल 96% 96% क्या वेद से भी उपरामता आ जाती है। निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, त्रैगुण विषया वेदा। अब 4% वेदों का दायित्व रह गया, और 4% जो वेद हैं वो 4 महावाक्य में आ जाते हैं। यहाँ से प्रारंभ करें स्मर से, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म उधर, अवहं तत्वमसि। इस मठ का महावाक्य ऐतरेय के अनुसार प्रज्ञानम ब्रह्म, फिर उधर अहम ब्रह्मास्मि, फिर उधर तत्वमसि, फिर अयम आत्मा ब्रह्म, 4 महावाक्य हो गए। 4% वेद का तात्पर्य 4 महावाक्य में, 4 महावाक्य में किसी एक महावाक्य से काम सकता है। पूरा वेद एक महावाक्य में गुम्फित हो गया है नहीं, वह एक महावाक्य भी एकाक्षर परमात्मा, एकाक्षर ब्रह्म है, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म ओम में आकर समा गया, एक अक्षर से उद्धार हो जाता है। तो कर्म को जब परमात्मा की ओर उन्मुख करते हैं तो कर्म क्या करता है? ज्ञान का अधिकारी बना करके बस परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग झटपट प्रशस्त कर देता। सीधे तो कर्म वहाँ नहीं पहुँच सकता है, लेकिन कर्म साधन चतुष्टय तक पहुँचा देता है। कहाँ लिखा है? वराहोपनिषद में और अप्रोक्षानुभूति में, स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात् साधनम प्रभवेत पुंसाम वैराग्यादि चतुष्टयम्। स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा गुरु तोषणात्, वराहोपनिषद में गुरुपाठ है, अप्रोक्षानुभूति में हरिपाठ है। स्ववर्णाश्रम धर्म का निष्काम भाव से भगवदर्थ अनुष्ठान करने पर साधन चतुष्टय की संपन्नता प्राप्त होती है। इस प्रकार से क्या हुआ, कर्म की गति कहाँ तक है? अगर ऊर्ध्वमुख कर्म हो गया, मुक्त संगो न अहमवादी धृत्युत्साह समन्विता, कर्माशक्ति फलाशक्ति अहंकृति को शिथिल कर धृत्युत्साह पूर्वक समत्व बुद्धि सहित भगवदर्थ स्वकर्मानुष्ठान करने पर क्या होता है? साधन चतुष्टय की प्राप्ति होती है। पूरा कर्मयोग को एक वाक्य में बोलना होगा तो क्या बोलेंगे? कर्माशक्ति फलाशक्ति अहंकृति को शिथिल कर धृत्युत्साह पूर्वक समत्व बुद्धि सहित भगवदर्थ स्वकर्मानुष्ठान का फल अंतःकरण की शुद्धि है।
कायेन मनसा बुद्ध्या केवले इंद्रियरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ती संगं त्यक्त्वात्म शुद्धये। कर्म की गति अंतःकरण की शुद्धि तक, योग की गति योग मात्र विशुद्ध है। गीता का छठा अध्याय आत्मा की विशुद्धि एकाग्रता तक। कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम एकाग्र्यर्थम उपासना ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ज्ञानादेव तु कैवल्यम, यह क्रम है। लेकिन कर्म उपासना की घाटी तक पहुंचा देगा, उपासना की घाटी जब पहुंचा देगी, उपासना पहुंचा देगी ज्ञान तक। इस प्रकार से साक्षात तो कर्म की गति ब्रह्म में नहीं है। दूसरी बात यह है कि जगत बनता है किसके योग से? गीता मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते श्रूयते सचराचरम हेतुना नेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। भगवान की अध्यक्षता हो और प्रकृति हो, एक कृषि विज्ञान, वो कृषि विज्ञान को भी हमने गणित में डाला है भगवान के पास, इस श्लोक को भी गणित में ढाला है। ये जो बीज है ना, चने मटर जो आदि के, इसका परम उपादान पृथ्वी है या नहीं? तो जो बीज का उपादान है उसी से संश्लिष्ट होकर के बीज अंकुर देने में समर्थ है या नहीं? तो प्रकृति का भी जो परम उपादान अधिष्ठान है, जिससे प्रकृति में सत्ता चित्ता प्रियता की स्फूर्ति होती है, उस ब्रह्म से अधिष्ठित होकर ही तो प्रकृति, जैसे पति से अधिष्ठित होकर के ही तो पत्नी संतान उत्पन्न कर सकती है, पति को पुत्र के रूप में ख्यापित कर सकती है, जैसे भूमि से संश्लिष्ट होकर ही बीज तो अंकुर आदि के रूप में स्वयं को व्यक्त कर सकता है, ठीक इसी प्रकार प्रकृति परमात्मा से संश्लिष्ट होकर मयाध्यक्षेण प्रकृति मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् या प्रकृतिम पुरुषं चैव विध्यनादि भूभावपि। तो प्रकृति पुरुष या प्रकृति और परमात्मा के योग से संसार बना है ना। अब दो फल है संसार की, सृष्टि की संरचना के प्रयोजन दो हैं, गंभीर बात है। सृष्टि की संरचना के प्रयोजन दो हैं, एक प्रकृति फल प्रदान करती है, उसी में जो रमे रहते हैं संसार में चक्कर लगाते रहते हैं। एक फल कौन है? जब परमात्मा और प्रकृति दोनों के योग से संसार बना है, पुरुष और प्रकृति दोनों के योग से संसार बना है, तो परमात्मा भी फल है ना, परम फल तो परमात्मा है ना, उनकी प्राप्ति क्यों नहीं होती? तो प्रकृति जो फल देती है वो क्या देती है? सत्व के योग से सुख, रजस रजोगुण के योग से दुख, तमोगुण के योग से मोह, सुख दुख मोह, सुख दुख मोह। प्रकृति के पास, संसार के पास ये तीन फल हैं। दूसरी दृष्टि से विचार करें तो मृत्यु, जड़ता और दुख, वहाँ सुख भी यहाँ दुख हो जाता है। प्रकृति क्या है? संसार प्रकृति का कार्य है। संसार क्या? सच्चिदानंद। इसका वर्णन करने पर मृत्यु का भय होगा या नहीं? शरीर का वर्णन करेंगे, अहंता ममता करेंगे तो मृत्यु का भय होगा या नहीं? जड़ता, जितनी जड़ वस्तुओं में दृष्टि रमाएंगे जड़ता बढ़ेगी या नहीं? दुख मिलेगा या नहीं? अब परमात्मा जब फल देते हैं, परमात्मा फल दें, परमात्मा फलित हो, इसके लिए फिर ब्रह्म विद्या, प्रकृति का भी आकर्षण छोड़ेंगे तो परमात्मा से मोक्ष रूप फल मिलेगा। एक भोग रूप फल तक सीमित है, एक मोक्ष रूप फल तक सीमित है। यह कहा कर्म अगर केवल सामान्य विधा से करते रहें प्रवृत्ति मार्ग का अनुगमन करने के लिए, संसार को कर्म दे सकता है, लेकिन अगर कर्म को परमात्मा के पर समर्पित कर दिया और कर्ता ने कर्म सहित स्वयं को परमात्मा के पर समर्पित कर दिया तो परमात्मा रूप फल की प्राप्ति भी हो सकती है। सृष्टि की संरचना परमात्मा रूप फल की प्राप्ति के लिए है। इस तथ्य को न जानने वाले जो नादान जीव हैं, वो प्रकृति से प्रदत्त सुख दुख मोह या मृत्यु जड़ता और दुख रूप फल में ही रमे रहते हैं। यह है अर्थ। यस्माद् कर्म संसार फलम न मोक्षम फलयति। दसवीं टिप्पणी इन्होंने दी, निष्पादयति, ठीक है। यह मोक्ष को फले संसार, यह संभव नहीं है। तस्मात् सनिदान संसार निवर्तकात्मक ज्ञानार्थत्वेन
साधन चतुष्टय संपन्नम अधिकारिणम अधिकृत्य मूल सहित संसार की निवृत्ति की भावना से साधन चतुष्टय संपन्नता जिनके जीवन में है, ऐसे जो अधिकृत महानुभाव हैं उनके लिए वेदांत आरंभ संभवति, उनके लिए वेदांत का आरंभ संभव है। तो वेदांत का आरंभ में पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी है मनुष्यों की दृष्टि से? भारत की ही 1 अरब है या किससे ज़्यादा है? पौन की 7 अरब भारत की नहीं, 7 अरब 7 अरब व्यक्ति में 7 अधिकारी मिल जाए बहुत है क्या? संसार जो फल देता है उससे उपरत परमात्मा रूपी फल प्राप्त करना, परमात्मा का वर्णन करेंगे मृत्यु मूर्खता और दुख पर अत्यंत विजय प्राप्त कर सकेंगे, जन्म और मृत्यु की अनाद अजस्र परंपरा का उच्छेद कर सकेंगे। 7 अरब मनुष्य में 7 भी मिल जाएं जो परमात्मा को ही फल रूप में, चाहे सगुण चाहे निर्गुण, ये सही, चाहे साकार चाहे निराकार, परमात्मा को ही फल के रूप में वर्णन करने वाले अगर 7 व्यक्ति मिल जाएं तो बहुत। तो फिर कहे ये सब चलाते क्यों हैं? तो आया है कि अगर कोई पाठ का दुरुपयोग न करे तो 1-1 100 अश्वमेध का फल 1-1 दिन के वेदांत पाठ के सुनने में मिलता है। इतना बड़ा महत्वपूर्ण है पाठ का महत्व, इतना है कि सब छोटे मोटे पुण्य अश्वमेध का वर्णन चल ही रहा है ना, इसका अर्थ है कि ऊंचे से ऊंचे कर्म का जो फल मिलना चाहिए श्रद्धा पूर्वक अगर श्रवण करता है, सुनाने वाला अनारी ना हो। मैं ये भी संकेत करना चाहता हूँ, हमारे पूज्य गुरुदेव से एकांत में कोई वेदांत सुन लेता तो भी कर्म उपासना की निंदा नहीं कर सकता था। पूज्य उड़ियावा जी महाराज के यहाँ क्या होता था मालूम है? उड़ियावा जी के यहाँ 2 कक्षा चलती थी, एकांत में जो घने भक्त थे उनको क्या उपदेश मिलता था मालूम है? कौन ब्रह्मा कौन विष्णु कौन महेश, काको करूं प्रणाम, कौन है वो विचार सागर आदि जिनकी रचना है काको, ब्रह्मा विष्णु महेश मेरी लहरी है मैं किनको प्रणाम करूं, लो अब यहीं से प्रारंभ हुआ वेदांत। कोई कह सकता है ब्राह्मण नहीं थे इसलिए लिख दिया? तो उड़ियावाजी ब्राह्मण थे लेकिन उनके यहाँ दंगल होता था। ऐसा दंगल हमने सुना है कि वेदांतियों को भगाए बिना खदेड़े बिना नहीं रहूँगा, वो कहते थे ये नास्तिकों को वेदांतियों को खदेड़े बिना नहीं रहूँगा, 2 दल बन गया था, दोनों में मुठभेड़ घोर संघर्ष। तो फिर एक बार किसी ने कहा कि महाराज इनको कुछ भक्ति वक्ति की बात कहिए। अरे बेटा इनमें श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा हो तो भक्ति की बात करो। फिर क्या कि महाराज कीर्तन करते रहते हैं इनको कुछ ज्ञान विज्ञान की बात कहिए। अरे भैया बुद्धि के मारे हुए हैं इनको क्या कर? अब उन्होंने तो अपना राज्य कर लिया, उधर वेदांति का ग्रुप तैयार कर दिया, इधर हरिवा के परिकर भक्तों का ग्रुप तैयार दिया और महाभारत होता था। अब इस ढंग से अगर वेदांत पढ़ेंगे तो महाभारत ही होगा ना वेदांत के नाम पर। इसलिए जहाँ तक कर्मयोग की गति है वहाँ तक कर्म का वर्णन करें, पक्षपात कुछ नहीं। उपासना की गति है, गौड़ पादाचार्य जी ने मांडुक्य कार्य का इतने ऊँचे वेदांत ग्रंथ लिखा लेकिन क्या चेतावनी दी मालूम है? अरे भाई जो वर्णाश्रम के मार्ग पे चल रहे हैं छेड़ो मत। आखिर पैसेंजर ट्रेन से सही जो कुछ से सही, अगर पुरी में एक्सप्रेस से सही जो पुरी में रेल में बैठ गया बम्बई तक ट्रेन जाएगी उसको छेड़ो क्यों? वो तो गाड़ी पहुंचा ही देगी ना बम्बई को। तो गौड़ पादाचार्य ने इतना ध्यान रखा कि जो शास्त्रीय मार्ग पर चल रहे हैं छेड़ो मत, कर्मकांडी हैं तो उपासना कांडी हैं तो वो जिस मार्ग पर चल रहे हैं उस पर चलते चलते एक दिन वहाँ पहुँच जाएंगे, इनको मत छेड़ो।
शास्त्र के परंपरा से जुड़ गए हैं, समझ लो आज न सही कल इनका कल्याण होगा ही। और एक बहुत ऊंची बात है, निमाई जी को देखकर याद आ गई, भगवान शंकराचार्य के पास गौड़पादाचार्य जी प्रकट हुए, हाथ में माला ओंकार का जप कर रहे थे, है ना। भगवान शंकराचार्य के सम्मुख उनके गुरुदेव के पूज्य गुरुदेव गौड़पादाचार्य जी प्रकट हुए, इतने बड़े वेदांती भगवान गौड़पादाचार्य जी महाराज व्यास जी के सत्संग में भी बैठते थे, व्यास जी के सत्संग में भी बैठते थे। ऐसे गौड़पादाचार्य जी महाराज के हाथ में माला प्रणव का जप करते हुए प्रकट हुए, इसका मतलब जप करते थे या नहीं, तो यह हुआ कि संसार रूप फल तो कर्म दे सकता है, लेकिन अगर उसी कर्म को मोड़ दिया, अक्लिष्ट उपयोग कर लिया तो निवृत्ति मार्ग की ओर ले गए तो साधन चतुष्टय संपन्न बना देता है। साधन चतुष्टय का अर्थ होता है विवेक वैराग्य सर्क संपत्ति और मोक्षा। नारायण, हाँ ठीक है, यह साधन का यह भी फल है। अपने बलबूते पर कोई प्राप्ति ही नहीं कर सकता, ये तो गुरुगाम में विद्या है। अपने बल पर बूते, एक बहुत विचित्र बात है, विद्युत विद्युत बिजली के जो इंजीनियर आदि होते हैं, लौकिक विद्या है या नहीं, उनका संपर्क उनको गुरु बनाए बिना कोई बिजली की फिटिंग ये सब जान सकता, मर ही जाएगा एक ही क्षण में। जब बिजली आदि का ज्ञान भी, कंप्यूटर सीखना है, मोबाइल है, ये भौतिक विज्ञान विज्ञान भी बिना गुरु के नहीं हो सकता। न्यूरो सर्जन अपने आप बन जाएंगे क्या, है ना। तो तीन लोग से मथुरा न्यारी, ये जो ब्रह्म विज्ञान है जहाँ पर ब्रह्मलोक से ऊपर की ही चर्चा होती है क्या, ये जो ब्रह्म विज्ञान है बिना गुरु के तो संभव ही नहीं है। अब हमने बताया किसी को हो गया, मान लीजिए जर भरत जी को पूर्व ऋषभदेव जी के द्वारा उपदेश प्राप्त था, इसलिए बिन गुरु भव निधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर सब हो, विष्णु जी को छोड़ दिया, विरंच शंकर माने ब्रह्मा और शिव ही क्यों ना हो, बिना गुरु के तो किसी का ज्ञान हो ही नहीं सकता, बिना गुरु को ही नहीं सकता, अपने बलबूते पर क्या होगा। सुनो तात या अकथ कहानी, कहानी का अर्थ क्या होता है, कहने में आवे, कहानी का अर्थ क्या होता है जो कहने में आवे। तुलसीदास जी ने कहा अकथ कहानी, कहने में ना समझत बने न जाय बखानी, आश्चर्यवत पश्चत कष्ट देनम कठोपनिषद। इसीलिए लिखा है इसका वक्ता भी दुर्लभ, श्रोता भी दुर्लभ। प्रकृति से पार, प्रकृति पार जो परमात्म तत्व है देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से अतीत, उसका वर्णन कर दे ठीक ठीक, श्रोता भी दुर्लभ, उस वर्णन को सुनने वाला वक्ता भी दुर्लभ। आश्चर्य, आश्चर्य समझ गए, आश्चर्य है, इसको बिना गुरु के कैसे जान सकता, संभव ही नहीं। विवेक तो होता है लेकिन कितना तो नहीं, किसको विचार करने को सुनने पर या अकेले भी चिंतन करने से विवेक तो होता है संसार का, स्वच्छता का या अंधकार, लेकिन वो कितना नहीं है व्यवहार में, फिर संसार ही उतरने लगता है। अभ्यासा रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति, अभ्यासे ने तो कौनते या वैराग्यण च गृह्यते। एक विचित्र बात है, अरबों खरबों वर्षों का श्रवण मनन निर्ध्यासन जगत का है या नहीं। अब इतने बेईमान व्यक्ति, पप्पू जी सुन रहे, हम इतने बेईमान हो गए कि 12 साल भी इसके लिए नहीं लगा रहे, जगत के श्रवण मनन निधिध्यासन का समय अगर निकालें तो अनादिकाल से पूर्व जन्म, अभी जो सत्संगी हैं, पूर्व जन्म के परित्याग, पूर्व जन्म था शरीर छोड़ने तक
या आज जिस इधर जैसा जल चले हैं, इससे पहले तक अरबों कल्पों का श्रवण मनन निर्ध्यासन का संसार का है या भगवान का? इतने कल्पों का अनादिकाल से संसार को पाल रखा है। अब भगवान की चर्चा जब शुरू होती है ब्रह्म विद्या की, कितना दिन लगेंगे महाराज, कितने घंटे? एक व्यक्ति आया, यहीं की घटना है, मैं प्रवचन करके आ रहा था बट वृक्ष पर था, अपरिचित, महाराज ट्रेन से आया हूँ, मैंने सुना है कि आप शंकराचार्य हैं, आप ही हैं ना, अब मुझे अभी जाना है, तत्वज्ञान करा दीजिए। कराते या नहीं? हमने अरे हम जो भगवान मारेगा ये, हम बताओ बहु। तो प्रश्न उठता है, आग भी प्रचंड, रुई भी सूखी, आग लगा दी लेकिन रुई एक चक्र है, उसको भी तो जलने में कुछ समय लगता है। अरबों खरबों तक, वर्षों तक जीव संसार का श्रवण मनन निध्यासन करके जब भगवान की चर्चा होती है तो कितने दिन महाराज लगेंगे? कितना मिनट लगेगा? अरबों खरबों वर्षों के संस्कार को धोने के लिए दो चार जन्म या दो चार वर्ष भी दिन रात लगाने के लिए तैयार नहीं होंगे, कि बेईमानी हुई है ना, भगवान इतने सस्ते हैं क्या? इसलिए गीता के भगवान बड़े चतुर, क्या एक भी वचन गीता में है कि आगे वर्ग में ये करूँगा, तू ये कर तो मैं ये करूँगा? कलयुग के आरंभ में हुए ना श्री कृष्ण, वो समझते थे बड़ा जीव चतुर है, अनन्या चिंता यंतो माम यजना परिपासते तेसा नित्याभियोगता नाम, यहाँ तक तू कर, योगक्षेम वहाँ में हम सबसे बाद में, अपन जीव बहुत छकाता है। ये तो सर्वाणी कर्माणी मई संन्यास मत परा अनन्य ने योगे न माम ध्यान तो पास होते तेसा हम सब धरता, इतनी तू कर तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम रजा, इतनी तू कर तो भगवान ने सोचा जीव छकाता तो छका ही देगा, तू इतनी घाटी पार कर। लेकिन भगवान की कृति क्या है, एकादश स्कंद और मानस में मिले, गीता के भगवान नहीं पकड़ने में आते। तू इतना कर तो मैं करूँगा, तू नहीं करता मुझे क्या जरूरत है, मैं कोई बंधन में हूँ क्या? ठीक है, मैया सक्त मना पार्था योगम युजन मदाश्रय असम संयम समग्रम यथा ज्ञान से तत्ण, इतनी पहल तू कर, तू नहीं करता मुझे क्या जरूरत है। लेकिन भागवत में निर्जय हमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल सुकल्पम गुरु करुण धारम मयानुकूल नभस्व तेरितम पुमान भवाब्धिम न तरत सहात्मा। इसका अनुवाद, कभूक करी करुणा नरदेही देत ईश बिन हेतु स्नेही करुण धार सदगुरु दृढ़ दुर्लभ साध सुलभ करी पावा जो न तरय भवसागर नर समाज असपाय सोकृत निंदक मंद मति आत्म हनि गत जाए। इसका मतलब क्या है, भगवान की पहल मनुष्य शरीर वो भी पोलियो आदि से रहित, मनुष्य शरीर मिल जाना इतनी पहल भगवान की ओर से हुई, उसमें निमित्त अपना पुण्य भी है। उसके बाद निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम गुरु आप गुरु से भी मिला दिया, दूसरी पहल भगवान की यह हुई। और एक बहुत ऊंची बात है, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, इसका अर्थ विष्णु आश्रम जी महाराज ने कहा, वो बहुत चुल अलीगढ़ जिला का शहर था ना, चुलबुली हिंदी बोल, ऐसे कहा मुझसे, सुन इसका अर्थ बता कि अनुग्रह है या कोप है भगवान का। हमने कहा क्या? सन्मुख मरुत, यात्रा करते हैं तो पीठ की ओर से नहीं, सामने से हवा चलती हो अनुग्रह है वायु देवता का या कोप है? कोप है। इसका अर्थ है वैराग्य के अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न कर देता हूँ, उसी को लोग समझते हैं कि ग्रह नक्षत्र खराब है। कहाँ रघुवा जी के पोते हैं ये, महाराज किसी को कुछ पूछते नहीं थे, भोजन किया या नहीं, ना ना बिल्कुल, चलते थे तो पीछे वाला हमारा साथ दे रहा है या नहीं, अपनी गति से जा रहा है, छूट गया तो छूट गया। केवल भोजन के लिए किसी को पूछा होगा तो मुझसे कोई पूछते थे, भूखा तो नहीं है? फिर लोगों से कहते बहुत दुबला पतला है, इन्हीं के समान था,
इसको खिलाओ पिलाओ, कुछ मोटा हो जाए तो अच्छा रहे। मेरे अलावा किसी को कभी पूछा नहीं होगा भोजन किया या नहीं, पूछता है इसी प्रकार से। लेकिन रउआ जी को पूछा कितने बेटे हैं, बताया। रउआ जी से कहा सुनो, अगर पाँव दबावें थाल भर बढ़िया भोजन ला के दें, इसको समझो पुण्य का फल। थाल में आई हुई रोटी और थाल भी छीन के ले जाएं, महापुण्य का फल। रउआ जी नहीं समझ पाए उस समय, बाद में ठोकर लगने पर कि गुरु जी ने क्या कहा था। वो कहा वो पुण्य का फल है, बेटे पोते सब अनुकूल हो रहे हैं ना, आइए आइए दीदी जी दानी जी, ये पुण्य का फल है। वैराग्य के अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न कर दें। एक थे हमारे गुरु भाई, सच्ची बात है, पंडित संस्कृत के पंडित प्राय बहुत अभिमानी होते हैं, प्राय साधक ना हो तो हम पूछ गुरुदेव से पढ़ते भी थे, जो हमसे पढ़ने आते थे उनको पढ़ाते भी थे हम काशी में। यूँ झाँके हाथ तो जोड़ने की बातें क्या है। फिर दीवार के पास से देखते रहे कोई अशुद्ध तो नहीं, बोलते हैं रगड़ डालूँ, संस्कृत के पंडितों में तो यही है, इसलिए पूछ नहीं पाते वो प्राय। फिर देखा कि रगड़ना संभव नहीं है तो बैठे। फिर कहा महाराज घर की बात यह है, पत्नी जो है बहुत डांटती रहती है, तो हमने कहा कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है। कहता हूँ कि तुम्हारा पतिदेव हूँ, डांटा मत करो। तो क्या कहती है, स्वामी करपात्री जी महाराज जैसे महापुरुष के शिष्य हो, मेरे डांटने पर भी तुम घर नहीं छोड़ रहे, भगवान का भजन नहीं कर रहे, तो पांव दबाऊंगी तो कभी तुम भवसागर तरोगे। ओ पंडित जी हमने क्या संकेत किया, सन्मुख मरुत, हाँ आर्थ अर्थार्थी पर भगवान की कृपा अलग होती है, जिज्ञास पर कृपा अलग होती है। क्या लिखा है, यस्याहम अनुग्रहणामी भागवत, जिस पर मैं विशेष अनुग्रह करता हूँ, पहले तो धन ही हरण कर लेता हूँ, फिर तितिक्षु ब्राह्मण, बार बार प्रयत्न करने पर भी धन प्राप्त करने के जितने उपाय है सब पे विघ्न डाल देता हूँ, फिर भी नहीं मानता, कलह करा देता हूँ घर में, फिर भी नहीं मानता, भजन नहीं करता, शरीर में रोग दे देता हूँ। ये अनुग्रहणामी, तो सन्मुख मरुत, वैराग्य के अनुकूल परिस्थिति माने दूसरे ढंग से, बेटे पोते सब अपने कमाने खाने योग्य हो गए, अब तो छोड़ो ममता, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। इतना वानक बना देने पर भी अगर कोई आत्मकृपा नहीं करता भवसागर से तरने का, तो कृतनिंदक मंद मति आत्महन गति जाए। इतने के बाद में चैन की बंसी बजाता हूँ, अब तुम्हारी ओर नहीं देखूँगा, तुम्हें गरज हो तो भवसागर से तरो, ना हो तो मत तरो। इसका मतलब गीता के श्री कृष्ण, वहाँ तो ठीक ही है, गीता के श्री कृष्ण बड़े चतुर हैं, भगवान एक ही हैं, कहीं गीता में 574 अपने वचनों में कहा हो कि आगे बढ़ के ये करूँगा, तू ये कर तो मैं करूँगा, मन छकाता बहुत। एक उदाहरण देते हैं, एक थे पुजुरियावा जी महाराज के कृपा पात्र, रामघाट चरणवास की ओर के पंडित, वो कुछ बिजली उजली देख रहे थे, करंट लगने से कुएं में गिरे, गिरते गिरते एक संकल्प हुआ कि अगर प्रभु तुमने मरने से बचा दिया, घायल होने से बचा दिया, तो इस कुएं के बाहर आने पर बस वृंदावन जा कर के भजन ही करूँगा। भगवान ने सोचा जीव तो जुआरी है, बहुत सा जुआ खेलता है, गर्भ में है ना, गर्भ कहाँ, भागवत में गर्भ में प्रार्थना करता है, इस माता के पेट से निकाल दीजिए, सैकड़ों जन्मों की स्मृति होती है, तब आपका ही भजन करूँगा। भगवान कहते तूने बहुत बार छकाया हमको, अभी अपने को इस बार भी गर्भ से निकाल देता हूँ। कौन होता है भगवान, दैव योग से उस ब्राह्मण को चोट भी नहीं लगी, लोगों ने कल कुशल से बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा देखो मेरे हृदय में गिरते गिरते संकल्प हुआ था, चला वृंदावन आ गए। फिर कहा महाराज आपका प्रवचन सुनने के लिए आ गया,
अब घर नहीं जाना है। हमने कहा अच्छी बात है, धीरे से क्यों बोल रहे? हमने कहा आप जैसे बहुत से व्यक्तियों ने कई बार कहा हमको, आप भी कह रहे, सुन लिया। उसके बाद मैं घूम के आ रहा था दावा नलकुंड की ओर से, वो किसी व्यक्ति को लेकर जा रहे थे। हमने कहा कहाँ जा रहे? महाराज एक वकील हमारे परिचित हैं इलाहाबाद में, इनका कोई केस है, उनसे मिलाने जा रहा हूँ। वो प्रतिज्ञा? महाराज हम तो गृहस्थ हैं, ऐसे झूठ बोलते ही रहते हैं। उसके बाद जो गए वो कहाँ जाके मरे आज तक पता नहीं। तो जीव बहुत छकाता है, इसीलिए भगवान ने कहा गीता के श्री कृष्ण जी ने, अपनी प्रतिज्ञा मैं कभी करूँगा नहीं, तू इतनी पहल कर बंदे तो आगे मैं करूँगा। इसका मतलब स्वयं प्रयास करना चाहिए, आत्मकृपा के बिना काम नहीं चलता। आत्मकृपा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।